को हिलाऊं सब जन। बोलो थैंक यू जीसस। आज आपकी हजूरी में मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ सब जन। बोलो बाइबल में लिखा है कि ज्ञान के बिना तेरी प्रजा नाश होती है। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं कि अपने ज्ञान को देने के लिए आपने अपने लोगों को यहां पे भेजे हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। आपके दूतों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा ट्रांसफॉर्म, बदलने के लिए मैं लाया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। विस्लिंग कम करो, जोर से बोलो आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा है ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। आमीन। कितने खुश हैं। एक गारंटी मैं देता हूं, इस सेमिनार के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सब जन खोलो, पहला तिमोथियुस 5 उसकी 23 आयत। पहला तिमोथियुस 5 उसकी 23 आयत में लिखा, पौलुस कह रहा है तिमोथियुस को, भविष्य में केवल जल का ही पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस यानी अंगूरों का रस भी काम में लाया कर। सब बोलो आमीन। आज आपको चर्च में इसलिए बुलाया कि आपको हेल्थ सेमिनार देने के लिए। आमीन। मैं और डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, पंजाब हमारा नंबर 1 है कैंसर में, कैंसर में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब में। पॉलुस जो था, कितने जानते पॉलुस को, हम पॉलुस की बातें कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास हीलिंग गिफ्ट नहीं था। बाइबल बताती है उसने लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, लुस्त्रा में बैठे एक लकवे वाले रोगी को उठाया, हजारों रोगी उसके लिखा उसकी बॉडी से जब रुमाल और अगोछे छुआ के बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे होते थे। हां के ना। अब वो पौलुस अपने आत्मिक बेटे को, स्पिरिचुअल सन को, तिमोथियुस को कह रहा, कहता तिमोथियुस अपने बीमार होने के कारण अंगूरों का रस, कहता कुछ ये वाली चीजें पिया कर, खाया कर। उसको कुछ हर्ब्स बता रहा है, कुछ खाने वाली चीजें बता रहे हैं। क्या उसके पास हीलिंग वरदान नहीं था? बोलो। तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए तिमोथियुस, आ मैं तेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, जिस तरह बाकी चंगे होते हैं तू भी चंगा होगा। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, जिस देश में सबसे बड़ी चर्चें और जिस देश में सबसे बड़ी हीलिंग्स होती, जहां पे एड्स वालों की लाइन लगती, मुर्दे लोगों की लाइन लगती, उनके परिवार वाले खड़े होते हैं अपना अपना मुर्दा लेके, सर्टिफिकेट लेके, वहां मुर्दे चंगे होते हैं। उस चर्च में जब मैं था तो वहां पे एक लड़का पास्टर का एक वॉलंटियर लोगों की काउंसलिंग कर रहा था, एड्स वाले लोगों की। ऐसे एड्स वाले लोग बैठे थे आगे और वो उनकी काउंसलिंग कर रहा था। ओके, आपको एड्स है, कितने कितने अपनी वाइफ के साथ नहीं आए? मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं आया हूं। अच्छा, आप साइड पे आ जाओ। यहां से हीलिंग लेने के बाद जब मैन ऑफ गॉड आप पे प्रेयर करेंगे, आप हील होंगे। एड्स से चंगाई लेने के बाद फिर से वही कपड़े नहीं डालने, फिर से वही कच्चे बनियान अपने जो यूज करते हो वो नहीं डालने। वो उनको काउंसलिंग दे रहा था कि तुम यहां से हीलिंग लेके जा रहे हो, तुम हस्बैंड हो, तुम्हारी वाइफ को एड्स है वो नहीं आई, और तुम वापिस वाइफ के साथ जाके सोगे, तुम्हें फिर एड्स होगी और तुम बोलोगे परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, मैं हील हो गया फिर बीमार हो गया। तो उधर पौलुस क्या कह रहा है, कहता है पौलुस एक हीलिंग गिफ्ट। जब पौलुस ने ये पत्री लिखी पहला तिमोथियुस, तब पौलुस का जो हीलिंग गिफ्ट था वो अपनी चरम ऊंचाई के ऊपर था। पौलुस की मिनिस्ट्री में पहले हीलिंग नहीं होती थी। पहले 3 साल उसने सिर्फ प्रीच किया, उसके बाद हीलिंग होनी शुरू हुई, उसके बाद मुर्दे चंगे होने शुरू हुए। जब पौलुस तिमोथियुस को यह पत्र लिख रहा था तब पौलुस का हीलिंग गिफ्ट टॉप पे था। तो उसको यह लिखने की जरूरत नहीं थी कि तू ये खाया कर और ये पिया कर।
लोग बोलते चर्च में आपको सेमिनार कराने की क्या जरूरत है, हीलिंग सेमिनार, आप तो खुद हीलिंग करते हैं, आपको जरूरत नहीं। जरूरत या ना जरूरत की बात नहीं, आपको बाइबल कम पता है और मुझे पूरी पता है। मैं सारी बाइबल का टीचर तो नहीं हूं, पर मुझे आपसे ज्यादा पता है। हालेलुया। पौलुस जिसके पास हीलिंग गिफ्ट है वो कह रहा है, कहता तुम ऐसी ऐसी चीजें ये खाओ क्योंकि तुम बार बार तिमुथियुस सेवकाई में होकर बीमार पड़ रहे हो। हालेलुया। जब मैं उस चर्च में था, जब मैं बचपन में था अपने मसीह जीवन में, मैंने कहा यार इतनी बड़ी चर्च होके ये काउंसलिंग क्यों दे रहे लोगों को कि अगर तुम्हारे पास पुराने कच्चे बनियान है जाके फेंक दो, दोबारा नहीं डालने, यहां से चंगाई लेने के बाद तुमने ये चीजें करनी है। परमेश्वर ने सबसे बड़ा ऑर्गन जो आपकी बॉडी में, वो दिमाग है। दिमाग की हजारों करोड़ों नसें हैं, इसलिए दिया कि आप सोच सको, डिसीजन ले सको। आमीन। और मेरा ये बिलीव है कि आज आपकी आईज ओपन होंगी जिस तरह आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। और पंजाब में सबसे अधिक कैंसर है ना, तो ये चर्च खत्म कर सकती है उसको। परमेश्वर आपको पावर देंगे। और सिर्फ स्पिरिचुअली अटैक नहीं करना, सोशली और कैंसर के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, फिजिकली भी हम अटैक करेंगे, आप करेंगे और मैं करूंगा, यीशु मसीह के नाम। आमीन। पौलुस कह रहा, कहता बेटा तिमुथियुस, यू आर माई स्पिरिचुअल सन बट यू आर वेरी सिक। तिमुथियुस के पास ऐसी पावर थी, बाइबल बताती है तिमुथियुस भी चिन्ह और चमत्कार करने वाला सेवक था, पर पौलुस उसे सलाह दे रहा है कि ये खाना, ये मत खाना। हालेलुया। तो जब मैंने देखा उनको काउंसलिंग दे रहे थे, तब कई बार आप बचपन में होते हैं, जब हम बचपन में होते हैं ना मसीह में, तो मैच्योर चीजें समझ नहीं आती। तो आज जब आप वचन जो सुनेंगे जो बाइबल के बीच से, कि क्या है, क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, या क्यों परमेश्वर ने कैसा हमें बनाया, कैसा नहीं बनाया, वो मुझसे अच्छा आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बता रहा हूं कि पौलुस कह रहा है कि बेटा तू ये खाएगा और ये नहीं खाएगा। पौलुस का वरदान जब हीलिंग और मिरेकल का उस समय टॉप पे था, उस समय वो इस पोजीशन पे आ गया था कि जो उसके शरीर से अनॉइंटेड रुमाल और अगोछे छुआ के बीमारों पे लगाते थे, बीमार चंगे होते थे। तो मुझे पता कि अगर उस टाइम टीवी होता तो पौलुस टीवी पे कई लोगों को चंगा करता, जैसे आज होते। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हजूरी में मैं मौजूद हूं, आपकी हजूरी हमें पूरा करती है, आपकी हजूरी हमें चंगा करती है, आपकी हजूरी यहां पे मौजूद है। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप यहां पे बोलें और जो कुछ हम सुने वो 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो सब जन, ऊंची 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 आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में हम सब कुछ मांगते हैं। बाइबल में लिखे हैं, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो, जिसको कर देना चाहिए उसको कर दो। हालेलुया। तो अब सम्मान देने का टाइम है। जब मैंने डॉक्टर को, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को बेंगलोर में सुना था, ब्रदर राम बाबू जी के चर्च में, तो सचमुच मेरे को एक बोझ महसूस हुआ था कि मेरे लोगों को भी ये बातें मालूम होनी चाहिए। आमीन। स्वागत करो सब जन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का। आइए डॉक्टर, जोर से जोर से जोर से। और ये चिन्ह है चर्च की ओर से जो डॉक्टर साहब को सदा याद रहेगा कि वो हमारी चर्च में। वेलकम कर दो एक बार फिर डॉक्टर साहब। थैंक यू, धन्यवाद। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदायी बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस ट्रेनिंग में। थैंक यू।
जब मैं यहाँ पे आया, मतलब जालंधर में आया, मुझे लगा कि आज आपको मैं बहुत कुछ दे पाऊँगा, लेकिन यहाँ तो खुशियाँ पहले से ही इतनी ज़्यादा हैं ऑलरेडी। मुझे लग रहा है जितना मैं दे पाऊँगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं लेके जाने वाला हूँ। देयर इज़ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और ऐसा मैंने पहले महसूस नहीं किया। एपोस्टल अंकुर जी को जब मैंने पहली बार देखा, जब हमारी मुलाकात हुई बैंगलोर में, उसके बाद थोड़ा और जानने की मैंने कोशिश की इनके फेसबुक और इनके वीडियोस के थ्रू। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करना पड़ा बिकॉज वो तो दिख रहा था, और जो चीज़ हम देखते हैं उसको विश्वास करना ही पड़ता है। मेरा ज़्यादातर काम वियतनाम में है और मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने वहाँ पे एपोस्टल अंकुर जी का कार्य बताया, हीलिंग बताई, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उनको दिखाया तो उन्हें मानना पड़ा। फिर एक उन्होंने मेरे ऊपर एक बोझ डाला, एक कर्तव्य डाला कि जब आप अगली बार अंकुर जी से मिलेंगे तो इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा टोकन देंगे। तो मैं वो वियतनाम से लाया हूँ आपके लिए सर। वियतनाम एक बहुत ही प्यारा सा देश है, और यहाँ से जाने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं, और वहाँ की सोच और यहाँ की सोच लगभग एक जैसी है, यही उनकी खास बात है। सो कभी आप टाइम निकालें वहाँ के लिए। यहाँ मेरे आने का जो पर्पस है एज ए मेडिकल डॉक्टर, वो ये कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या करें हम कि खुद के डॉक्टर बन जाएं और उसको ठीक कर दें। और आपको मैं ये साइंटिफिकली बताऊंगा, गॉड ने जब हमें बनाया तो अंदर वो सारी बातें डाल दी ताकि पहली बार तुम बीमार पड़े ना, और अगर पड़ गए तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं दो भाग में बांटता हूँ। नंबर 1, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, थायराइड है, वाई वी आर सिक, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसा होता ही क्यों है। क्या हम कुछ कर सकते हैं इस वक्त राइट नाउ कि वो सब ना ही हो और जो बीमार है वो ठीक हो जाए। आपको जान के ताज्जुब होगा, गॉड हैज़ मेड अवर बॉडी इन सच ए मैनर, इस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत दी है जिसको हमें यूज़ करना है। तो वो यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये समझाने के लिए कि बीमारी होती क्या है और कैसे उसे यूज़ करना है। अगर आपको समझना है, सिर्फ एक पिक्चर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको अगर देखेंगे तो बीमारी क्या है आपको एकदम समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये टायर है, इसमें हवा ज़रूरत से कम हो तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है। मतलब एक रेंज है, इतने से कम नहीं होना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में हर चीज़ का एक रेंज है। ब्लड प्रेशर का रेंज है, ब्लड शुगर का रेंज है, थायराइड का रेंज है, या टेम्परेचर का रेंज है। उस रेंज से जब बाहर हो जाता है तो उसे कहते हैं हम बीमारी। उस रेंज से बाहर होने से क्या करना है हमें, उसको वापस उस रेंज में लाना है, और वो ताकत आपके पास है, आप उसको कर सकते हैं। पहले तो वो रेंज के अंदर हो, और अगर बाहर चला गया है तो उसे हम बीमारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का मतलब क्या है, ब्लड में शुगर। तो वो हर एक के बॉडी में है। इस वक्त आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। आप अपने जीवन के हर पल में जिंदा रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपके बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो खून के साथ शुगर है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, वो शुगर बॉडी के हर सेल में जाता है और सेल उसको बर्न करता है जिससे हमें एनर्जी आती है। तो शुगर अच्छा होता है कि बुरा होता है, इट इज़ समथिंग गुड। उसके बिना एक पल भी हम जिंदा नहीं रह सकते, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी ब्लड के थ्रू जाता है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, टायर की हवा की तरह, या ज़रूरत से कम हो तो उसे कहते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर या लो ब्लड शुगर, डायबिटीज़।
सो डायबिटीज़ में क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिन लोगों को ब्लड शुगर रहता है ज़्यादा ज़्यादा तो काफ़ी समय तक, उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ट्यूमर, स्टोन, कोई भी बीमारी होने की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। नॉर्मल शुगर मतलब लेस डिजीज़, कम बीमारी, ज़्यादा शुगर मतलब ज़्यादा बीमारी। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आज मैं पूरा बोलने वाला हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी जो बोलने वाला वो ये, कितने शुगर को हम ज़्यादा शुगर बोलें, ये बात 1979 से पहले इंसानियत को नहीं पता थी। इंसान को सिर्फ इतना पता था किसी के बॉडी में, खून में ज़्यादा शुगर होगा तो ज़्यादा बीमार पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ को हम ज़्यादा बोलेंगे, ये बात नहीं पता थी। 1979 में पहली बार एक आंकड़ा आया एंड वो आंकड़ा है 200 mg/dL। किसी के शरीर में, खून में अगर 200 से ज़्यादा शुगर है उसे हाई शुगर बोलेंगे। और 200 का मतलब क्या है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर का बॉटल है, पानी का बॉटल। अब मेरा बॉडी का वेट है 70 kg, इसमें अपने बॉडी से सारा खून अगर निकाल दूँ तो इसमें करीब 5 लीटर खून होगा। तो ये 1 लीटर का बॉटल है, तो कितने से बॉटल चाहिए सारा खून को बॉटल में डालने के लिए, कितने बॉटल चाहिए होंगे, 5 बॉटल चाहिए। अब किसी एक बॉटल से अगर एक बूंद मैं खून निकालता हूँ, उसे ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, तो जो रीडिंग आएगी अगर वो 200 रीडिंग आती है, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। सो 200 अगर रीडिंग आती है आपकी ग्लूकोमीटर में, उसका मतलब सिर्फ इतना कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। सो गॉड ने जो आपको अलाउ किया है कि आपके हर लीटर के खून में 2 ग्राम शुगर होना अलाउड है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में 2 जन चढ़ना अलाउड है यहाँ के ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक, उससे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक उसी तरह से हमारे खून में हर लीटर में 2 ग्राम शुगर से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा होगा और काफ़ी समय तक होगा तो वो बॉडी के लिए एक बोझ होगा, और जब बोझ होगा तो हमारी सारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, वो कम काम करेंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हार्ट डिजीज़, जिसे हम कहते हैं किडनी फेलियर, जिसे हम कहते हैं लिवर डिजीज़। सो ये सारी बीमारियाँ अलग अलग नहीं हैं, ये सारी बीमारियों का मूल एक ही है, किसी भी ऑर्गन में ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो थोड़े समय में वो थक जाएगा, जिसे आप बीमारी बोलते हैं। अगर इतनी बात हम समझ लें तो हमारे लिए इसको ठीक करना, इसको वापस करना बड़ा ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही कम समय में इसको आप कर सकते हैं। साइंस, इसे कहते हैं साइंस, यहाँ तक तो है। 1 लीटर खून में 2 ग्राम या उससे कम शुगर, उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोल देंगे डायबिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ये पाया गया 1979 में, लेकिन उसके बाद आगे 1997 में और 96 के बाद 200 को कर दिया गया 126, फिर 126 को कर दिया गया 100, यानी कि अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 100 से ज़्यादा रीडिंग को भी बोल देंगे कि आपको तो दवा पे जाना चाहिए। 100 का मतलब हुआ कि आपके 1 लीटर खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम। सो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे समय के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 200 से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में वो 100 तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे आंकड़ा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी के घेरे में आ जाएंगे। बीमार है नहीं वो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो बीमार है। कैसे पता चलेगा आप बीमार हैं, अभी कैसे पता चलता है, 2 तरीके हैं। एक कि आप डायग्नोस्टिक कराते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका खून लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो एक तरीका है और वो टेस्ट बताता है कि आप बीमार हैं कि नहीं। दूसरा, आपको कोई दर्द होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीका है, जो बॉडी खुद बताता है, मान लीजिए वही तरीका है। अगर बॉडी आपको नहीं बता रही है कि आपको तकलीफ है तो रीडिंग कुछ भी आ सकती किसी की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये बात अगर आप समझ लें तो आप पाएंगे, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस मच, इतना अगर आप समझ लें तो आप ये पाएंगे, मैंने देखा है अपने पिछले 10-12 साल के इस करियर में, कि
70% डायबिटीज के पेशेंट वो ऐसे हैं जिनको दवा की जरूरत ही नहीं है, वो डायबिटीज के पेशेंट थे ही नहीं कभी, बस वो आंकड़े को मैच करने के लिए वो दवा खाए जा रहे हैं। आज डायबिटीज़ की बात करेंगे, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, तो उसको समझना ज़रूरी है। कभी कोई बोलेगा कि आपको कैंसर है तो वो उसने बोला, लेकिन क्या वाकई में है डायबिटीज़ है? वो किसी ने बताया, एक मशीन ने बताई कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन क्या वाकई में है? या तो हाँ या ना। अगर तो नहीं है तो फिर हम दवा क्यों खा रहे हैं? और अगर अब है तो क्या दवा खाने से वो हल हो जाएगा? पूरी जीवन में क्या आपने कोई ऐसा एक आदमी देखा है जो बोल रहा है कि दवा मैंने खाई और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई? वो ज़िंदगी भर खाते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है। वो जितना खाएंगे, दवा की प्रवृत्ति है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आप उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। तो आपको ये निर्णय करना है, फैसला आपको लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बीमार हैं या नहीं हैं। वो कोई मशीन करेगा तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली बात जो अभी हम सीखेंगे अगले 10 मिनट में, क्या हम बीमार हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी बीमारी है, और फिर आएगा अब इसको ठीक कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है, मैं तो साइंस की बात बोलूँगा, साइंस की भाषा जो मॉडर्न साइंस है उसकी भाषा से समझाऊँगा, लेकिन आसान तरीके से ताकि आप इसको समझ पाएँ और आज जब आप घर जाएँ उसको जाते ही अपने जीवन में उतार पाएँ। सो यहाँ पे आप डायबिटीज़ की बात से शुरू की हमने कि धीरे धीरे आंकड़ा पहले 200 था, फिर 126 हो गया, आज 100 है, कि 100 आंकड़ा अगर है तो भी उसको डायबिटीज़ की दवा दे देते हैं, जबकि 100 आंकड़ा इतना ज़्यादा कम है कि इसमें कोई दवा की किसी को ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिकली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कभी आपने ये सोचा कि आप जाते हैं किसी के पास, वो बोलता है कि अगर आपका शुगर 125 है आप डायबिटिक हैं, तो 125 को डायबिटीज़ बोलना या नहीं बोलना ये कौन डिसाइड करता है? वो कोई इंसान डिसाइड करता है, वो गॉड ने नहीं डिसाइड किया कि 125 या 26 या 200 का फिगर, ये एक इंसान, हम और आपकी तरह एक इंसान ने ये डिसाइड किया। वो इंसान कहाँ बैठा है? हम सबसे बहुत दूर कहीं बैठा हुआ है, एक कमिटी बैठती है, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उसमें 8 लोगों की कमेटी बैठती है, वो सोचती है कि कितना नंबर होना चाहिए जिसे हम डायबिटीज़ बोल दें, और वो एक नंबर तय करती है, वो नंबर पूरे दुनिया में फैला देती है, और वो नंबर आप भी मान लेते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप रोज़ दवाई खाते रहते हैं जीवन भर। इंडिया की बात करें या पंजाब की बात करें, ज़्यादातर लोग, WHO का आंकड़ा कहता है, अपने जीवन के कमाई का 1/3 हिस्सा अपने बीमारी को ठीक करने में लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, कम नहीं है? और बहुत सारे लोग तो अपने इलाज के लिए अपना ज़मीन जायदाद उनको बेचना पड़ता है, लेकिन क्या वो ठीक हो जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएँ। वी कैन बी अवर ओन डॉक्टर, राइट? पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है वंस आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। सो आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्टप्रांडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा, आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा, अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले, आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में, जवाब आपके स्क्रीन में है। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर ठीक ही होगा, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके, वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है।
आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल भाषा में, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। मैं सारी बीमारियों पर आऊँगा एक एक मिनट के लिए, शुरू मैंने यहाँ से किया कि एक होता सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर और एक होता रात खाना खाने के दो घंटे बाद का, कौन सा वाला कम होना चाहिए, होता है फास्टिंग वाला या पोस्टप्रेंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा दुनिया 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब यह है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके कन्फ्यूज़ होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो ये जो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जब भी सर्दी होती है या जब भी बुखार होता है या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन तीन समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है। कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है, ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं किसी भी वजह से, या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे ही आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है,
उसका एक तरीका है कि इस तरह के माहौल में अगर आप रहते हैं लगातार, तो आपके दिमाग में कोई चिंता आ नहीं सकती, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू, थैंक यू. सो मैंने पूरे दुनिया भर में जिस जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ, ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है? या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है. जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया. ब्लड प्रेशर की बात करते हैं थोड़ा सा. कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूँ. इसका एक जवाब है 120/80. इससे ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का पेशेंट बोलेंगे, राइट? 120/80, इससे ज़्यादा हो तो उसे बीपी का पेशेंट बोलेंगे. यही वाला सवाल अगर मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 से पहले, तो जवाब होता 160/100. आज से 20 साल पहले किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर अगर होता तभी उनको दवा दी जाती. लेकिन धीरे धीरे 1997 के बाद क्या हुआ, 160/100 को कर दिया 140/90, और अब 120/80, और आप देखिएगा अगले 6 महीने में हो जाएगा 115/75. और जैसे ही ऐसा हो जाएगा, सिर्फ वही इंसान हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा. जो भी ब्लड प्रेशर चेक करेगा उसका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा तो होगा ही, तो उसे बोल देंगे आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं. बोलने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो कोई डॉक्टर या कोई डायग्नोसिस का आदमी नहीं सेटल कर सकता, डिसाइड कर सकता, वो सिर्फ आपका बॉडी डिसाइड करता है. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक सांप आ गया, तो क्या होगा? जैसे ही सांप देखूंगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मेरा पल्स ज़्यादा हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा. और उस ताकत को मैं यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जंप करके भागूंगा, भागने में उसका इस्तेमाल करूंगा, अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करूंगा. तो ब्लड प्रेशर जब किसी का ज़्यादा होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक कॉज होता है. उस कॉज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर लोग जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है. और अगर डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत सारी डिग्री वाला है, तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है. जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर हाई. डॉक्टर बोलता है देखो आपको तो ब्लड प्रेशर है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम. तो उस ब्लड प्रेशर के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उस ब्लड प्रेशर के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं, वो डॉक्टर जिम्मेवार हैं. तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं. 80% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर वो घर पे खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो पेशेंट नहीं पाए जाएंगे. 80% पेशेंट जो हैं, 80% पेशेंट. अब आजकल जब भी मैं जाता हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ, डॉक्टर बोलता कुछ भी कर लो आपको 120/80 को मेंटेन करना ही करना है, इतना होना ही चाहिए. इससे ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शहर में जालंधर में अगर मुझे सेफली गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितना स्पीड होना चाहिए? मान लीजिए कोई बोलेगा 30 किलोमीटर/आवर, कोई बोलेगा 50 किलोमीटर/आवर, कोई बोलेगा 20 किलोमीटर/आवर. मान लो मैं 30 किलोमीटर/आवर इज़ ए सेफ ड्राइविंग स्पीड. मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से फिट करता हूँ कि जब भी मैं स्टार्ट करूँ वो 30 किलोमीटर/आवर में ही चले, ना कम ना ज़्यादा. क्या ये सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा? ये बहुत ही डेंजरस होगा. एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर आपको पता है कि मौके को देख के, सराउंडिंग को देख के, कब कितना आपकी स्पीड होनी चाहिए आप डिसाइड करते हैं, वो लगातार बदलते रहता है, राइट? कभी जब ओवरटेक कर रहे हैं तो 100 की स्पीड भी करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा भीड़ है तो 10 की स्पीड भी करनी पड़ती है. कोई एक स्पीड पे गाड़ी को रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ठीक उसी तरह से आपके जो ब्लड प्रेशर का कितना होगा किसी भी समय, वो बॉडी डिसाइड करती है आसपास के माहौल को देख के. मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया अपने बॉडी के साथ किसी के कहने पे कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, तो मैंने कुछ ऐसा भिड़ाया, ऐसा जुगाड़ कि मेरा बॉडी का प्रेशर 120/80 रहने लगा, कुछ भी हो जाए चाहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मैं देखूंगा वहाँ सांप आ रहा है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80. अगर ये इतना ही रहेगा तो मेरा रिएक्शन सांप आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो. तो समझने की कोशिश कीजिए, मेरे अंदर जो वो एक भय या अलर्टनेस या लड़ना है या भागना है, वो जो भाव है वो नहीं आएगा. तो
गॉड ने हमें जो ये एक एक ड्राइवर बिठाया हमारे बॉडी के अंदर, वो ड्राइवर लगातार बताता है कि भाई एक एक्सपर्ट ड्राइवर कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, कितना ब्लड शुगर होना चाहिए, उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट ड्राइवर है और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल ड्राइवर है, राइट। सो मतलब ये कि अगली बार जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर को देखेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो मतलब आपका बॉडी बोल रहा है भागो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। जैसे आप बाहर निकले ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पहले डायबिटीज़ की बात की, अब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो भी ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा है, 160/100 इससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली रहता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो है। लेकिन उसको कम कैसे करें, उसको कम करने का तरकीब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और एक दो दिन में वो कम हो जाएगा और कम रहेगा भी, राइट। सो अदरवाइज़ जो ब्लड प्रेशर अगर 160/100 से नीचे नॉर्मली रहता है, तो फिर वो 140 हो या 130 हो, नॉर्मली रहता है, नॉर्मली मीन्स पूरा दिन भर में। कभी एक बार कभी चिंता में है, कहीं लेट हो रहे हैं, किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया है, उस वक्त बॉडी एज ए रिएक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही, राइट। तो या कोई ऐसा आदमी जिसको पसंद नहीं करते, जब वो पास में दिखेगा तब भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। मैंने तो यही देखा है कि 80% लोग उनको दवा यूं ही ले रहे हैं क्योंकि किसी ने बता दिया कि आपको लेना चाहिए, जबकि वो दवा उनको लगातार नुकसान करते जा रही है, करते जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है वो है कोलेस्ट्रॉल की दवा। 1978 की बात करें, 1978 का मेडिकल बुक आप उठाएं, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, 1978 में जब पढ़ाई की जाती थी तब बोलते थे कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ज़्यादा है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। उसके बाद 300 को कर दिया 240 कुछ साल पहले तक, और आज है 200 से ज़्यादा है तो भी, राइट। और आज का जो आंकड़ा है वो 200 भी नहीं, या तो 200 से ज़्यादा है, या किसी की उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल कुछ भी क्यों ना हो, उसे फिर भी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी ही चाहिए। सो इसका मतलब है कि आज से अभी का जो माहौल है कि कोई भी इंसान जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो वो बीमार मान लिया गया है, कि मतलब वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा देनी ही चाहिए। यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, इसको समझने के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अंडा, अंडा एक माहौल में रहता है, एक टेम्परेचर में रहता है, कुछ समय बाद उसके अंदर से एक चिड़िया निकल जाती है। उसके अंदर ऐसा क्या है कि अंडे में से एक चिड़िया निकल जाती है? कभी सोचा आपने? आप एक काम कीजिए, उस अंडे को आप लैब में दीजिए, लैब में लेके बोलिए भाई ये अंडे के ऐसा क्या निकल जाता है कि चिड़िया बन जाती है। अगर उसका माहौल दें, टेम्परेचर दें, उसको घुमाया जाए, एक कंडीशन में रखें, तो उसके अंदर से एक चिड़िया निकलती है। लेकिन ऐसा क्या है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा क्या है, आपको हैरानी होगी, 68% जो उसके अंदर है एनर्जी, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी बनती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ज़िंदगी ना हो, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपके बॉडी में बाल लंबे होते हैं, स्किन बदलती है, नाखून बदलते हैं, खून भी हर 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद बदल जाता है, राइट। केमिकल रिएक्शन होते हैं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं है जिसके बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ना हो। ऐसा कोई अंग है ही नहीं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं तो जीवन नहीं, राइट। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के ज़बरदस्ती कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, जो लोग आप में से कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद क्या होता है, दवा लेने के बाद दवा लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है दवा बेचने वालों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो कुछ दिन बाद ब्लड प्रेशर की गोली खानी ही पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा का साइड इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा जाता है, और उसके कुछ दिन बाद डायबिटीज़ की दवा लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो शुगर को भी बढ़ा जाता है। यानी कि आप एक दवा शुरू करते हैं, फिर दो, फिर तीन, और ये तो नॉर्मल बात है हर एक के लिए। कोई भी इंसान आप में से ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ एक दवा लेता हो, एक से शुरुआत होती है लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, इस उदाहरण से आप स्क्रीन पे देखिए कि एक टाइम था जो 300 से ज़्यादा अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हो, उसी को हाई कोलेस्ट्रॉल मानते थे, उसको फिर 250 कर दिया, फिर 200 कर दिया, और अब 200 के अलावा एक और चीज़ कि 40 साल से अगर ज़्यादा आपकी उम्र है
और अगर आप गलती से चले गए हॉस्पिटल तो आपको नॉर्मली एक कोलेस्ट्रॉल की दवा तो लिख ही देंगे, लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि हम हमारे बॉडी की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम घटाना चाह रहे हैं। वो क्यों घटाना चाह रहे हैं, उसका थ्योरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है, उसको आपको देखना है, क्योंकि आपके बॉडी के लिए जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ आपकी है। सो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मैं ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ किसी ने बोला है। सो अगर ऐसा है तो उसको बदलना ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। सो आप मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, सोचता हूँ मैं कि स्कूल में पासिंग परसेंटेज कितना है। मान लो एक बच्चा 35% से ऊपर ना मार्क्स आते हैं तो उसे बोलते हैं कि आप पास हो गए। एक दिन प्रिंसिपल को सपना आया, उसने बोला आज से जो 80% से ज़्यादा मार्क्स आएगा उसी को हम पास बोलेंगे, तो क्या होगा, पूरे स्कूल में ज़्यादा ज़्यादा बच्चे फेल होने लगेंगे, माहौल ऐसा बनेगा कि आजकल बच्चे कितने फेल हो जाते हैं, जबकि असली बात यह है कि बच्चे की जो इंटेलेक्ट है, उसका दिमाग है, वो वहीं का वहीं है, लेकिन नियम बदल गए हैं, कानून बदल गया है। ठीक उसी तरह से अब सोचिए, जब मैं स्कूल में था आज से 20 साल पहले, उस वक्त अगर कोई मुझे बोलता कि डायबिटीज़ का पेशेंट दिखा दो, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट दिखा दो, मुश्किल से मिलता था। आज देखिए ऐसा कौन सा घर है जहाँ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की गोलियाँ ना चलती हो। तो इतने एकाएक पेशेंट कैसे बढ़ गए, क्या हम लोग बहुत बीमार पड़ गए या कुछ और है? वो आंकड़े, वो प्रिंसिपल्स, वो नंबर, वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, या फिर थायराइड की बात करें। अब देखिए 2003 की बात है, उससे पहले जो थायराइड था, थायराइड का जो आंकड़ा था वो था 0.323। इस रेंज में अगर थायराइड है तो आप ठीक माने जाएंगे, राइट, 0.126 इस रेंज में अगर है तो आपका थायराइड ठीक माना जाएगा, लेकिन उसके बाद वो रेंज कम हो गया 0.323। तो जैसे जैसे रेंज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस थायराइड की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। थायराइड की बीमारी के नहीं, सही माने में थायराइड के बीमारी का जो कॉन्स्पिरेसी, उसका शिकार होते जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं और आप चाहते नहीं कि कोई आपको हराए, तो आप क्या कर रहे हैं, हर बार आप अपना जो गोल पोस्ट है उसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा गोल पोस्ट है, तो कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अगली गोली लें तो आप ज़रा सोचिए, क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट? अगर ज़रूरत है तो क्या गोली से काम चलेगा, या गॉड का बनाया हुआ कुछ और है जो वही वाला काम करेगा जो गोली करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के? तो वो क्या है, उस पर हम आने वाले हैं अगले 5 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले आप जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, आपको ये ध्यान देना है कि ये नहीं कह रहे कि आप दिमाग में सोच के रख लो कि आप बीमार नहीं हो। सबसे पहले आपकी बीमारी का जो डर है वो निकाला जा रहा है, उसके बाद ही ऐसी चीज़ें भी आपको बताएंगे जिससे वो बीमारी अगर है भी डॉक्टर के हिसाब से वो ख़त्म हो जाएगी। आमीन। और दूसरा, इनकी खुद की टेस्टिमनी है डॉक्टर साहब की, ये इनका हार्ट का सर्जरी हुआ, इन्होंने बताया था इनके हार्ट का जो सर्जरी हुआ तो 2007 तक कोई ना कोई बीमारी इन्हें रहती थी। तो जो ये आपको बताने वाले हैं अभी, वो ये खुद करना शुरू किया 2007 में और अभी तक ये कभी बीमार नहीं हुए। और सेकंड जो ये बता रहे हैं आपको कि पहला 1978 दे विच किन्नू शुगर सी, जिदी शुगर 250 तो वध होए, उस वक्त किन्ने डिसाइड किया कि 200 वाले नू शुगर है, अपन नू कुछ नहीं पता। हुन किन्ने डिसाइड किया कि 120 वाला शुगर है, सानू कुछ नहीं पता। वो कहते लोग डिसाइड कर रहे हैं जो अपने मन नाल डिसाइड कर रहे, पिछे कोई बहुत वड्डी साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि 120 वाला 120 तो उपर वाले नू शुगर हैगी हैगी। किन्हां नू गल समझ आ रही है वाली? फिर यही गल दस के नहीं जाओगे कि जे मान लो बंदा इतने कोई बैठा है उन्होंने SM 250 शुगर है, वो कहे लो जी उन्होंने तो कहता जी 250 शुगर ही है नहीं, पर मैंने तो यह प्रॉब्लम लगती है। उस तो बाद शुगर जाएगी किदा, ये भी हूँ गल शुरू होएगी। जो तो गल शुरू होएगी तो उसी ब्लेस होके वापस जाऊंगा। सुनो सब ध्यान में। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हम बात कर रहे थे हड्डियों की बीमारी की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी है भारत में, ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों की बीमारी का जो कहानी है वो भी डायबिटीज़ की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, बाकी बीमारियों की तरह ही है कि धीरे 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 उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो आंकड़े कम करते गए, और जैसे जैसे आंकड़ों को कम करता गया होता गया वैसे वैसे बीमार लोग ज़्यादा, या ऐसे लोगों को लेबल कर दे कि आप बीमार हैं। तो हड्डियों की बीमारी
एक्चुअली बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन ज़्यादातर वो लेबल कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दवा लेंगे तो क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दवा एक्चुअली बॉडी में जाके क्या करती होगी जिससे हमें लगता है कि वो ठीक हो सकता है, इस साइंस को थोड़ा अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आ जाएगा कि क्या करना होगा वंस वी गो बैक होम, आज यहाँ से घर जाने के बाद व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू डू। यहाँ पे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है कैंसर, तो कैंसर पे थोड़ा मैं जोर डालूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अपोस्टल अंकुर जी, हम में से हर एक के शरीर में हर पल लाखों कैंसर सेल होते ही हैं और वो नॉर्मल है। हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करता है, उस कैंसर के सेल्स को लगातार उससे लड़ाई करता है, उसको हराता रहता है और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। अगर कैंसर का टेस्ट कराएंगे, नॉर्मली हम कराते नहीं हैं, तो ऐसा कोई नहीं मिलने वाला जिसके अंदर कैंसर सेल नहीं होंगे, राइट। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर तो हमारे बॉडी में हर एक में है, सिर्फ उन्हीं के बॉडी में नहीं होगा जो डेड बॉडी है। जब डेड होते हैं, सारे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो कैंसर सेल भी डेड हो जाएंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग। लेकिन अदरवाइज कैंसर सेल्स बाकी सेल्स की तरह है, वो इनको थोड़ा सा आप पंजाबी में आसान भाषा में, कैंसर सेल है क्या? कैंसर सेल एक बिगड़ा हुआ सेल है जो क्या है कि कैंसर सेल किसे कहते हैं, मतलब बॉडी में होता कैसे है? हाँ, इस पे आते हैं। कैंसर सेल क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट कैंसर, कौन सा वाला कैंसर है जो आपने कभी सुना ही नहीं कि अजीब सा लग रहा है? लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या हार्ट कैंसर, कौन सा वाला? कभी सुना नहीं। हार्ट कैंसर कभी नहीं सुना। ये हार्ट कैंसर कभी सुना आपने? कोई आया हो आपको, ये मुझे तो हार्ट में कैंसर हो गया, आपको अजीब सा लग रहा होगा या आपको ये एक जोक सा लग रहा होगा, हार्ट कैंसर तुमने कभी सुना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बॉडी के सारे अंग में ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, स्टमक में कोलोन कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, किडनी में हो सकता है, हार्ट कैंसर तो कभी सुना नहीं, हार्ट कैंसर तो कभी किसी को होता नहीं। हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है कैंसर क्या है और कैंसर से कैसे हम लड़ें। बहुत सिंपल है, देखिए कैंसर क्या है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपके शरीर में ब्लड वेसल को हिंदी में क्या बोलेंगे, नाड़ियाँ, जिससे ब्लड फ्लो होता है, राइट, पूरे शरीर में। वो सारे ब्लड वेसल्स को, नाड़ियों को अगर एक के बाद एक लगातार लगा दें तो उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो करीब होगी 60,000 किलोमीटर, बहुत ही लंबा। छोटे ब्लड वेसल हैं, बड़े नाड़ियाँ हैं, छोटी हैं साइज वाली, सब मिला के 60,000 किलोमीटर उसमें ब्लड खून दौड़ता है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से उसमें कहीं कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि कहीं कहीं रुकावट आ जाती है। और जब रुकावट आती है तो उसके आगे जो सेल्स होते हैं उसको ब्लड से खाना या ऑक्सीजन या शुगर मिलना बंद हो जाता है। जब ब्लड से सप्लाई बंद हो जाएगी शुगर की या खाने की या न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की, तो वो सेल्स के साथ क्या होने वाला है, वो सेल्स नॉर्मली मर जाएंगे। और जब वो सेल्स मर जाएंगे तो उस वाले ऑर्गन में आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा और वो आपको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। सो ये तो भी एक बात है। लेकिन कभी कभी हम में से कुछ लोगों के केस में जब ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल में और जिसकी वजह से सप्लाई फूड का, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का बंद हो जाता है, तो जो सेल्स हैं आसपास के उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपस में तय करते हैं कि हम मरने नहीं वाले हैं, वी विल नॉट डाई। चाहे बॉडी ने सप्लाई बंद कर दिया है, बॉडी हमारी मदद नहीं कर रही, हमें सप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आपस में एक गुट बना लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, वो अपने लिए चोर रास्ता, चोरी वाला रास्ता बनाते हैं कहीं और से खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन चुराने के लिए। इसे मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंजियोजेनेसिस। तो वो जो सेल्स हैं जिनको खाना देना बॉडी ने बंद कर दिया क्योंकि ब्लॉकेज था, वो सेल्स आपस में मिलके एक ऐसा चोर रास्ता बनाते हैं जिस चोर रास्ते की वजह से वो कहीं और से खाना वगैरह चुरा सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं।
ये तो हुई एक बात। आप एक उदाहरण लीजिए, एक कॉलेज का अच्छा छात्र है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, सोचता कि मैं बैंक में डाका डालता हूँ, करीब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन बैंक में जब डाका डाल रहा है, सामने लाखों रुपये पड़े हैं, आपको क्या लगता है, एक वो 10,000 रुपये गिनेगा और भाग जाएगा, या दो वो जितने पैसे हाथ में आए वो सारा पैसा लेगा फिर भागेगा, पहला या दूसरा? दूसरा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अच्छा जितना आया उतना ही लेके भागेगा। वो 10,000 रुपये चुराएगा तब भी वो सजा है, 10 लाख रुपये चुराएगा तब भी वो सजा है। तो जब कोई चोरी पे आता है तो उसका जो कारण क्या था चोरी का करने का, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये सेल्स के साथ होता है, जब वो चोरी का रास्ता बनाते हैं तो फिर वो रेगुलेशन नहीं होता कितनी सप्लाई मिलनी है, फिर उनको बाकी सेल्स के मुताबिक ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन कई गुना ज़्यादा मिलने लगती है ऑटोमेटिकली। ज़रा सोच के बताइए, ज़्यादा सप्लाई मिलने से क्या होने वाला है, वो एकदम से वो बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है, इसे कहते हैं ट्यूमर। जब वो बड़ा होगा तो क्या कि हमारे बॉडी में जगह सीमित है, बहुत जगह तो है नहीं, तो कुछ सेल्स बोलेंगे यहाँ तो जगह है नहीं, वो सोचेंगे मैं कहीं और जाके रहता हूँ। कैसे, अब इसको देखिए अगले स्लाइड में। तो कुछ सेल्स जिनकी जगह जिनको नहीं मिल रही बढ़ने के लिए, तो वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ट्रेवल करके वो किसी और जगह, हार्ट में, लंग्स में, वो सेल्स वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके भी वो बढ़ने लगते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और पूरे बॉडी में वो वही वाला काम करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको मैं आपको आपके उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरा एक दोस्त आपके घर आ रहा है और वो आपके घर पहुँचा, राइट, आप और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो जलंधर आया और नॉक किया, आपने दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि मैं डॉक्टर साहब का दोस्त हूँ और आज यहीं रुकना है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आइए बैठिए, लेकिन तब आप चुपके से फ़ोन मिलाएंगे मुझे, डॉक्टर साहब एक आदमी आया है वो आपका नाम ले रहा है, क्या इसे अंदर आने दूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ मेरा दोस्त है, इसको अंदर आने दो, तो कन्फर्म हो गया वो रह सकता है। ये क्या है, सिग्नलिंग सिस्टम, आपने सिग्नल भेजा कि ये सही है कि गलत है, मैंने उसको कन्फर्म किया हाँ ये ठीक आदमी है, चोर नहीं है, इसको घर में रुकवा सकते हैं, ये तो हुई एक बात। अब इमेजिन कीजिए अचानक आपके घर में सुबह सुबह एक नॉक करता कोई आदमी और जब खोलते हैं तो बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आज यहीं रुकना चाहता हूँ, और आप उसको बोलते हैं बैठिए और फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन का सिग्नल नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे, उसको भगा देंगे या बोलेंगे आप बैठिए? अब तो कन्फ्यूज़ हैं, आप सोचेंगे भगा देंगे और डॉक्टर साहब का दोस्त हुआ तो कितनी बुरी बात है, फिर सोचते हैं अगर मैं रख लूँ इसको यहीं पे और ये चोर निकला, क्योंकि कन्फर्मेशन तो हो नहीं पा रही है, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सोचने के बाद हम में से ज़्यादातर लोग क्या करने वाले हैं, उसको घर पे रखने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ, वो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है जिसका उसको फ़ायदा मिल गया। ठीक उसी तरह से जब भी ये जो सेल्स हैं वो ट्यूमर वाले सेल हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाके वो वहाँ जाके पनाह लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई और ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, पहले वो सिग्नल भेजता है मोबाइल से जहाँ से वो आया था, क्या इसको अंदर ले लूँ? तो वहाँ सिग्नल आएगा नहीं नहीं मत लेना, ये तो ट्यूमर है भाई, यहाँ आके भी ये बड़ा तंग करेगा क्योंकि यहाँ भी तंग कर रहा था वो, तो इसका मतलब कैंसर वो फैल नहीं सकता क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोगों की सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है इसीलिए वो कैंसर फैलता नहीं। कैंसर हम सबके बॉडी में है, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। लेकिन कुछ केसेस में, हम में से कुछ लोगों में वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया, तो फिर ऑर्गन ने पूछा सिग्नल करके कि ये जो ट्यूमर का सेल है, ये सेल जो नया आया है इसको ले लूँ, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया और वो जाके वहाँ पे बस गया, तो ट्यूमर बॉडी के हर सेल में फैलने लगी, इसे हम बोलते हैं कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या है, सिग्नलिंग सिस्टम फेल अगर हो जाए बॉडी की आपस की जो कम्युनिकेशन है अगर वो बंद हो जाएगा या वो ठीक से नहीं होगा, उसे बोलते हैं कैंसर, यानी कि तब कैंसर फैल गया, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या करना होगा, कुछ ऐसा कीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक कर दीजिए, ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक होते ही इमेजिन कीजिए वो जो आदमी है आपने अपने घर में बिठाया, आपने मुझे फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन लगा नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ बैठा और आप नज़र रखे हुए हैं इस आदमी पे और लगातार फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं,
एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया। अब मैंने बताया, अरे भाई वो आदमी जो है ना वो चोर है, भगा वहाँ से। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया उसने, लेकिन एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया तो आपने कुछ ना कुछ करके उसको भगा दिया। ठीक उसी तरह से कैंसर सेल काम करता है। अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। थैंक यू। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है, सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है। सवाल ये कि सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें कैसे, उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे, खराब कैसे हो गया, वो मोबाइल में सिग्नल गया क्यों नहीं। बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुखाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई, जब जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी कमज़ोर होती जाएगी। सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं, उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं, जिसमें रेज, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीज़ें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। ये हर एक को पता है, कोई भी मेडिकल की फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़े नॉर्मल बात है। अगर आप दो बार से ज़्यादा एमआरआई कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, सिटी स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है, यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फ़ायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है, पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो पेशेंट, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर है भी तो स्क्रीनिंग उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस, चाहे वो बायोप्सी की बात करें या कोई एमआरआई की बात करें, वो सारी डायग्नोसिस एक चीज करती है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को वो स्विच ऑफ करने का काम करती है, ख़राब करने का काम करती है। तो क्यों आप अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी डायग्नोसिस करने जाएंगे, अगर कोई बोलता है मैं आपके खून का एक बूंद ले लूँगा फिर डायग्नोस कर दूंगा, वो अलग बात है, उसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ये सारी चीज़ें सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर है वो साइज में इतना सा है, डॉक्टर के पास गया कि देखिए क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो, कैसे पता चलेगा, बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूँगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूँगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊँगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसरस बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है, किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है, उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के, राइट। दो ही चीज़ हो सकते हैं, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सलूशन क्या है मैं आपको देने ही वाला हूँ, और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्नोसिस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कैंसर के केस में। यहाँ पे कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आपके काम आएगा, आपके आसपास कैंसर के और भी पेशेंट उनके काम आएगा। देखिए अक्सर भारत में या किसी भी देश में ये होता है कि
पहले डायग्नोस करा लो तो उस कैंसर के पेशेंट के जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर का सक्सेसफुल इलाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने पहले कैंसर का इलाज शुरू कर दिया यानी कि पहले डायग्नोस कर लिया, उनके रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। अच्छा, कैंसर का इलाज को सक्सेस कब मानते हैं? उसका एक आंकड़ा पूरे दुनिया में है, जब इलाज शुरू हुआ उस दिन से लेके अगर वो पेशेंट 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहा, 5 साल एक दिन भी जिंदा रहा, तो उसे सक्सेस बोलेंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि कैंसर चला गया, वो कभी कैंसर हुआ नहीं। सक्सेस का मतलब ये कि आपको या मुझे कैंसर है और आज से मेरा इलाज शुरू है, आज से लेके 5 साल एक दिन हो गए, इलाज चल रहा है, मैं परेशानी में हूँ, लेकिन अगर 5 साल बीत गए और मैं जिंदा फिर भी हूँ, तो यानी कि वो सक्सेस केस बोलते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक आदमी है, पहले क्या होता था कि जब कोई दिक्कत होती थी तो जाके वो डायग्नोस कराते थे। आज क्या होता है कि यूं ही ईयरली चेकअप करते हैं। तो ईयरली चेकअप में क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप डायग्नोस कीजिए, चांसेस हैं कि आपके बॉडी के हर एक के बॉडी में, इवन मेरे बॉडी में कैंसर के सेल मिलने ही मिलने हैं। बहुत ध्यान से डायग्नोस करेंगे, हर एक की बॉडी में मिल जाएगा। इलाज आज से शुरू हो गया, इलाज आज से शुरू हो गया, पहले से शुरू हो गया, तो 5 साल तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बोलेंगे तो सक्सेस केस है। जबकि किसी को कैंसर है भी पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, तो मान लीजिए एक इंसान है, उसकी उम्र है 86 साल का, राइट, और 86 साल के में उसको पेट में दर्द होता है। अब वो डायग्नोसिस करने जाता है और इलाज अब शुरू होता है और 90 साल की उम्र में वो मारा जाता है, तो ये फेलियर हो गया। लेकिन आज के केस में कि वो 2 साल पहले ही डायग्नोस करने चला गया, जब कोई तकलीफ भी नहीं थी, तो 2 साल पहले से इलाज करना शुरू हो गया, अब भी वो 90 के एज में मरा, तो इसको सक्सेस बोलेंगे। क्योंकि कितने साल जिया, अब 6 साल जिया, 6 ईयर्स, तो बोलेंगे देखो सक्सेसफुल केस है। जबकि दोनों केसेस में उसका जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो सेम रहा। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा पेशेंट को कि आपको डायग्नोसिस कराने की जल्दी नहीं करनी, डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देना, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उसको हम सॉल्व करें। एक बात सिंपल याद रखिए दिमाग में, अगर किसी के बॉडी में कैंसर सेल है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक जगह ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा और जल्दी दिखाई दे रहा है। अगर उसको इलाज करने लगेंगे सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से, तब तक थोड़े दिन बाद बाकी जगह दिखाई देगा, तीसरी जगह दिखाई देगा, चौथी जगह दिखाई देगा, आप उस उलझन में पड़ जाएंगे। कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सबके सब कैंसर सेल एक ही बारी में ख़त्म हो जाए। उसके लिए जो मॉडर्न साइंस है, आज का साइंस, एक टेक्निक उन्होंने निकाली है, वो आपको बताता हूँ, जो घर बैठ के आप सब कर सकते हैं। उसके लिए मैं सहारा लूँगा एक उदाहरण का। तो ये दुनिया का मैप है, यहाँ पे जहाँ जहाँ लाल लाल बिंदु दिख रहा है, यहाँ यहाँ लोग रहते हैं जहाँ उनको डायबिटीज़ नहीं होता, हार्ट डिजीज़ नहीं होता, कैंसर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। और वो कौन लोग हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं तो ये नाम है। शायद नाम आप इतने दूर से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोकेशंस देख पा रहे हैं। तो वो भी इंसान है हमारी तरह, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो उनको बीमारी क्यों नहीं होती, वो क्या ऐसा करते हैं? तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ये लोग बीमार क्यों नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं बट वो 100 साल जिंदा रहते हैं आज भी। तो उस पर एक स्टडी हुई, उस स्टडी का एक पार्ट मैंने भी पूरा किया, उस पार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं जारावास। जारावास अंडमान निकोबार गए आप लोग? अंडमान निकोबार ये भारत का पार्ट है, वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक छोटा सा टापू है, उस टापू में कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं जारावास। और आज से 50,000 साल पहले, मैं 500 साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, 5,000 साल पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 साल पहले जब मानव इंसान बाकी जानवरों की तरह रहता था, पेड़ में रहता था या गुफा में रहता था, बाकी जानवरों से लड़के जिंदा रहता था, जब इंसान कपड़े नहीं पहनता था, 50,000 साल पहले से लेके अब तक एक छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का, जो पूरे दुनिया से अलग हो गया और दुनिया से उनका तालमेल ना के बराबर था अभी तक, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कपड़े लोग नहीं पहनते। और आज अगर वहाँ आप चले जाएँ तो वहाँ पे आज भी वो आदि मानव, जो आप बचपन में पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, आदि मानव की तरह आज भी वहाँ पे जंगल में जंगली लोग की तरह वो रहते हैं। यहाँ जाना भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये आदि मानव टाइप है। और जब भी कोई इंसान हम जैसा आप जैसा देखेंगे कपड़े पहना हुआ, सोचता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे दुश्मन, तो वो तीर से निशाना मार के वो
किसी को भी मार सकते हैं, इसीलिए सरकार यहाँ जाने की अनुमति नहीं देती है, और अगर जाना है तो बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके तब जाना होता है। मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, जारावास इनका नाम है, अंडमान निकोबार का छोटा टापू, वहाँ गया तो कुछ अजीब अजीब बातें देखी। उनमें से एक इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे आज से 20 साल पहले एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर आर सी कर, उन्होंने न जाने कैसे इस टापू में चले गए और टापू के इन जंगली लोगों के साथ दोस्ती कर ली, और तब से वो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भाषा सीख ली और अब भी वहीं रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर को फाइनली वहाँ अपॉइंट कर दिया कि आप इनके देखभाल के लिए रहो। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर आर सी कर से, मैंने उनसे पूछा कि ये जारावास के जो लोग हैं क्या इनको डायबिटीज़ होता है। जवाब था उनका, नहीं डायबिटीज़ कभी नहीं पाया गया। मैंने पूछा हार्ट की बीमारी होती होगी, जवाब था उनका हार्ट की बीमारी कभी नहीं देखी गई। मैंने बोला कैंसर हो जाता होगा, का कैंसर भी नहीं होता कभी भी, सिर्फ जब वो बाकी जानवरों से लड़ाई करते हैं और उनको चोट लगती है तब उनका खून बहता है, तब ये डॉक्टर उनको आराम देने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए कोशिश करते हैं पट्टी वट्टी लगाने के लिए, दैट्स ऑल। वो तभी इस डॉक्टर को मौका मिलता है उनके ब्लड को टेस्ट करने का, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का, और वो सारा डेटा वो मेंटेन करते थे, अभी भी करते हैं। और उन्होंने बोला कि इन लोगों को कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सारी बीमारियाँ कभी इनकी हिस्ट्री में नहीं है। और ये एक एक आदमी हमारे मॉडर्न लोगों में 5-5 लोगों के बराबर है, इतने ताकतवर। दिमाग में बात आती है कि ये भी तो इंसान है, और ये इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, ये इंडिया के सिटीज़न हैं जैसे आप और हम हैं, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते, इनको कैंसर नहीं होता, हार्ट की बीमारी नहीं होती, तो ऐसा क्यों, ऐसा ये क्या करते हैं। ये रही एक बात। एक देश है उसका नाम है कुवैत, कुवैत, कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, सबसे अमीर देश है। वहाँ पे कोई पैसे के लिए काम नहीं करता है, वहाँ का राजा हर साल करीब 25 लाख रुपए इंडियन करेंसी की बात करूँ तो उनके बैंक खाते में डाल देते हैं, तो वहाँ पे काम नहीं करता कोई पैसे के लिए, वो वहाँ पे भिखारी वगैरह नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर देश कुवैत। वहाँ 3 साल मुझे काम करने का मौका मिला, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन की थोड़ी मदद ली। एक बात मैंने पाई, दुनिया का सबसे ज़्यादा डायबिटिक देश, सबसे ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ भारत से डबल, 2 गुना, वो है कुवैत। भारत में 9% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वहाँ पे 20% लोग डायबिटीज़ पेशेंट है। दिमाग में बात आई कि ये इतने ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट क्यों हैं, इतनी ज़्यादा हार्ट की बीमारी क्यों है, इतने ज़्यादा लोग मोटे क्यों हैं, इतनी ज़्यादा कैंसर क्यों है इस देश में। और फिर मैंने उसको कंपेयर किया कि जारावास से मैंने कंपेयर किया कि यहाँ पे एक तरफ ये भी इंसान है और इनको बीमारी है ही नहीं, और दूसरी तरफ कुवैत के लोग वो भी इंसान है और उनमें बीमारी का भरमार है, पैसा जितना ज़्यादा बीमारी उतनी ज़्यादा। तो ये मुझे रिसर्च का मौका मिला, और मौका मिला मैंने दोनों में कंपेयर किया, दोनों सिविलाइजेशन को, और एक कंक्लूजन पे आया, एक निष्कर्ष पे आया, वो निष्कर्ष मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस पूरे आज के मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है वो अब आ रहा है, जो आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। वो है, मैंने पाया इन दोनों में इतना फ़र्क का एक ही कारण, वो है उनकी डाइट, उनका खाना। जो खाना वो खाते थे जारावास के लोग, जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, उस खाने का मैंने एक नाम रखा, और जो कुवैत के लोग खाना खाते थे उस खाने का भी मैंने एक नाम रखा। कुवैत के लोग जो खाना खाते हैं उसका नाम मैंने रखा VIP डाइट, एक ऐसा डाइट जो कोई भी हेल्दी आदमी अगर खाएगा कुछ दिनों में उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, या कैंसर हो जाएगा, या डायबिटीज़ हो जाएगा, होगा ही होगा। VIP डाइट। अच्छा, VIP डाइट से क्या मतलब है? VIP आपको पता है VIP क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन इंडिया में VIP का मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिशियन है, वो रेड लाइट को भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ सकता है और कोई भी लॉ ब्रेक कर सकता है, तो बोलते हैं और देखो VIP जा रहा है। VIP का मतलब कि उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, VIP, राइट। सो इंडिया में ट्रैफिक में देखते हैं लाल बत्ती, अब तो नहीं है, पहले लाल बत्ती वाली गाड़ी तो VIP, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लाल बत्ती वाली गाड़ी में अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है तब भी वो क्रॉस कर सकता है, VIP, राइट। जो कोई भी नियम तोड़ पाए इंडिया में वो है VIP। ठीक इसी प्रकार कुछ इस तरह के खाना है, ऐसे फूड हैं जिनको जब आप खाते हैं पेट में जाते ही वो बन जाता है VIP। पेट के सारे नियमों को, बॉडी के सारे कानून को तोड़ के सीधे ब्लड में जंप करता है वो खाना, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वो एकदम से बीमार पड़ सकता है, VIP फूड, राइट। फिर एक तरह का डाइट है जो लोग जारावास लोग जो खाते हैं, उसका नाम मैंने दिया DIP,
डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल आप और हम, जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो क्या करते हैं? आप देखते हैं कि रेड सिग्नल है, आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। जब ग्रीन होता है तो चालू करने से पहले गाड़ी इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, खुद की सेफ्टी करते हैं, आसपास के लोगों का सेफ्टी का ख्याल करते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के फूड हैं, इस तरह का खाना है, इस तरह का डाइट है, जब आप उसको खाएंगे तो पेट में जाके वो DIP की तरह काम करता है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको अगर आप समझ लें तो बस फिर आप ये समझ जाएंगे कैंसर का इलाज कैसे हो सकता है, हार्ट की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है। और जो इसको समझ लेगा उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये पार्ट आप बहुत ध्यान सुनिए। अभी देखिए, जिस तरह से ट्रैफिक में ट्रैफिक का इंस्पेक्टर होता है, राइट, जो कि हाथ दिखाता है कि भाई गाड़ियों को रोकता है, उसको डायरेक्शन देता है, राइट, तो ठीक उसी तरह से हमारे स्टमक में, पेट में एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, राइट, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बैठा है पेट में। उसका नाम साइंटिफिकली उसको बोलते हैं इनक्रिटिन, एक केमिकल है जो पेट बनाता है खुद, उसका नाम है इनक्रिटिन केमिकल। उसका काम क्या है कि जब कोई खाना आप खाते हैं तो वो खाना आगे पेट से कहाँ जाए, लीवर में जाके छुपे, या ब्लड में जाके घुल जाए, या कोलोन से बाहर भाग जाए, या इंटेस्टाइन में ही, पेट में ही इंतज़ार करे। ये डिसीजन कैसे लेगा खाना, आपकी बॉडी में कहाँ ज़रूरत है उस खाने की, ये डिसीजन खाना कैसे लेगा, उसके लिए मदद करता है वो पुलिस, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो पेट में बैठा है, उसका नाम है केमिकल नेम इनक्रिटिन हार्मोन। वो इशारा करता है, भाई रुक जाओ, ब्लड में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो शुगर को बोलता है आप यहीं रुक जाओ, आप पेट के अंदर जाने, ब्लड में घुलने की ज़रूरत नहीं, आप लीवर में जाके छुप जाओ, या ब्लड का प्रेशर अभी मत बढ़ाओ, या अब बहुत कम प्रेशर है तो अभी थोड़ा सा बढ़ा दो। वो एडजस्टमेंट करता है ताकि जिस तरह से ट्रैफिक में नियमों को पालन कराने के लिए वो ट्रैफिक पुलिसमैन का काम है, ताकि ट्रैफिक ठीक से चले, एक्सीडेंट ना हो या कम से कम हो, ठीक उसी तरह से गॉड ने हमारे पेट में एक ट्रैफिक वाला बिठा दिया है, उसका नाम है इनक्रिटिन हार्मोन। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो ट्रैफिक वाला है वो इशारा तो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसका इशारा समझ नहीं आ रहा। यूँ मानो कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत ही कीमती गाड़ी है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है। आपने गाड़ी ऑन कर दिया, एक्सेलेटर चला दिया, एक ईंट रख दिया, गाड़ी सड़क पे भाग रही है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? एक्सीडेंट कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कब होगा, वो एक अलग सवाल है, लेकिन एक्सीडेंट ही होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, एक ड्राइवर छुपके बैठा हुआ है। वो जो ड्राइवर है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो पेट में बैठा है उसके इशारे समझता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो ड्राइवर दिखता कैसे है। आप एक काम कीजिए, आज घर जाके या कल घर जाके, कल कीजिए, आप कोई भी सब्जी लीजिए या कोई भी फल लीजिए, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आपके पसंद का, या कोई भी सब्जी ले सकते हैं, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा या सेब, जो भी आपको लेना है, उसको जूस बनाइए। जूस बनाने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो वो क्या दिखेगा, वो आप देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सितारों की तरह दिख रहा है। तो कोई भी फल और सब्जी को अगर आप जूस बनाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही दिखेगा। इसे कहते हैं वो खाने का ड्राइवर, लाइव एंजाइम्स, मेडिकली बोलेंगे लाइव एंजाइम, या सिंपल शब्दों में खाने का ड्राइवर। जब आप वो सब्जी या फल वो जब खाएंगे, पेट के अंदर जाएगा, तो ये जो चमकता हुआ सितारा है ये ड्राइवर रूपी खाने को डायरेक्शन देगा, और वो जो पेट के अंदर पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है, इनक्रिटिन केमिकल हार्मोन, वो उसकी इशारे को ये वाला ड्राइवर समझेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ, जितने भी आंकड़े सारे नॉर्मल होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैफिक वाला है उसको पता है कि बॉडी के अंदर की हालत कैसी है, और खाने को कब, कैसे, कितनी, कहाँ भेजना है, किस मात्रा में भेजना है, ताकि सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाए, राइट? सो लेकिन कुछ खाना ऐसे है कि जिसमें ड्राइवर है ही नहीं। जैसे ज़रा सोचिए, आप एक काम कीजिए, आप कोई एक पैक जूस लीजिए, पैक जूस ट्रॉपिकाना ले लीजिए, कोई भी पैक जूस दुकान में मिलता है, उस जूस को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। क्या आपको लगता है उसके अंदर भी ये ड्राइवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा खाना जो डब्बे में बंद होता है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो ड्राइवर था, जो गॉड ने भेजा था, वो ड्राइवर अब मर चुका है, वो है ही नहीं।
तो गाड़ी कितनी भी ज्यादा मजबूत और सुंदर और कीमती क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठा होगा और गाड़ी यूं ही चला देंगे तो सिर्फ एक्सीडेंट ही हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि वही वाला खाना आपको खाना है जिसके अंदर ड्राइवर है, क्योंकि गॉड ने आपके स्टमक में एक ट्रैफिक पुलिस वाला तो भेजा ही है, वो तो सबके पेट में अभी भी है, और ट्रैफिक वाला हाथ दिखाएगा। जो शुगर का पेशेंट है, आप में से अगर कोई है डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा होने लगी तो खाना आप खाएंगे ड्राइवर वाला, तो वो जो पुलिसमैन है ट्रैफिक वाला वो रोक देगा खाने को, बोलेगा आप अभी आप ब्लड में खून के अंदर और जाके जमा मत होना, क्योंकि खून में शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे शुगर जब कम होगा तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो अलाउ करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा जाके ब्लड में घुलो, यानी कि उसका शुगर नॉर्मल आ जाएगा, पहले दो या तीन दिन के अंदर ही नॉर्मल आ जाएगा सिर्फ। राइट, थैंक यू, थैंक यू। सो ये सिर्फ शुगर की बात नहीं है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है या ये ट्यूमरस सेल है, वो सारी चीज़ों की बात है, क्योंकि जब वो डायरेक्शन देता है वो ट्रैफिक पुलिसमैन, वो सारे आंकड़ों को देख के तब डायरेक्शन देता है। ये साइंटिफिक बातें हैं, ये कोई सोची हुई बातें नहीं है, ये प्रूवन बातें हैं। राइट, तो अब सवाल एक आता है, कैसे ये पता करें कौन से वाले खाने में ड्राइवर है, यानी कि DIP डाइट कौन सा वाला है। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, एक बात मैं बताता हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक को यूज़ करते हुए, कि जीवन में कभी आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी और जिनको है उनको ठीक हो जाएगी, जीवन में कभी आपको कैंसर नहीं होगा और जिनको है वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सिर्फ एक सवाल, वो सवाल ये, कैसे ये पता करें कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ड्राइवर बैठा है या नहीं है। अगर तो ड्राइवर बैठा है तो वो कहलाएगा DIP डाइट, तो वही मुझे खाना है, और वो ड्राइवर बताएगा कि लंग्स में जाना है या वो ब्रेन में जाना है, कहाँ मेरी ज़रूरत है, और फिर वो मकान बनने लगेगा। अब देखिए कि जब हम मकान बनाते हैं तो ईंट लगता है, पत्थर लगता है, सीमेंट लगता है, लेकिन सारी चीज़ इकट्ठा करने से मकान नहीं बनेगा। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको डिज़ाइनिंग का पूरा आइडिया हो कि कौन सा ईंट, कौन सा पत्थर, कौन सा सीमेंट किस तरह से लगाएं कि वो मकान का रूप ले ले। ठीक उसी तरह से आपने खाना खाया वो एक बात, लेकिन वो कहाँ जाके किस तरह से इस्तेमाल हो ताकि बॉडी की रिपेयरिंग हो जाए, उसके लिए वो ड्राइवर की ज़रूरत है, और ड्राइवर के लिए वो आपके पेट के अंदर जो ऑलरेडी गॉड का बनाया हुआ इनक्रिटिन बोलते हैं इसको, या फिर इसको आप बोल सकते हैं पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन, उस दोनों के बीच का तालमेल। तो सवाल ये, कैसे पता करें कि मेरे खाने में वो ड्राइवर है या नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला स्लाइड अगर आप देख लेंगे तो उसको पता चल जाएगा। अगले स्लाइड को बहुत ही गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, दिस इज द वन। दो तरह के खाने में ड्राइवर होता है, वो है फल और कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर होता है। और दो तरह के खाने में ड्राइवर कभी भी नहीं होता है, एक है ऐसा भोजन जो जानवरों से निकल के आया हो, जैसे मीट, मछली, अंडा, दूध या दूध से बना हुआ कोई भी चीज, ड्राइवरलेस, या ऐसा खाना जो डब्बे से निकल के आया हो। एक बात याद रखिए, कोई भी खाना डब्बे बंद है तो डब्बे को बंद रखिए, डब्बे को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रेड है, जैसे बिस्किट है, जैसे रस्क है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेड है ये सब पॉइजन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ड्राइवर लेस है, ये आपकी बीमारी को ठीक करने की क्षमता नहीं है, बीमारी को बढ़ा जरूर सकती है। तो जो लोग बीमार हैं या जो बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ड्राइवर के बिना वाला जो खाना है, वो दो तरह के खाने होते हैं दुनिया में। एक होता है ऐसा भोजन जो जानवरों से आया है, वो ड्राइवर लेस, और ऐसा भोजन जो फैक्ट्री से आया है, जो मशीनों से बन के आया है, जो डब्बे में बंद है, ड्राइवर लेस। ऐसा भोजन अगर खाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये कि बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है जिसकी बात मैंने की थी, वो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होने लगता है। एक दिन में नहीं होगा, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, लेकिन ख़राब ज़रूर होगा। जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है कि आज कैंसर पकड़ा गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आपने, स्टीव जॉब, आपके पास जो मोबाइल है, एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स का अगर आप पढ़ेंगे उनको कैंसर कैसे हुआ था, उनको कैंसर हुआ था 1976 में। तो उन्होंने क्या किया, वो भारत आए, वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, भारत आए वो,
और भारत में जो मैंने अभी आपको बताया ये किसी ने उनको सिखाया, और तब से लेके 2001 तक वो ऐसा ही कुछ करते थे, ऐसा कोई खाना नहीं खाते थे जो जिसके अंदर ड्राइवर ना हो, और उनका कैंसर बिल्कुल कंट्रोल में था। देखिए 1976 से 2001 तक, 2001 में क्या हुआ, उनकी पत्नी ने यूं ही एक मजाक में पूछा कि आप ऐसा खाना क्यों खाते हैं, आप अंडा नहीं खाते, मीट नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते, तो उन्होंने यूं ही बता दिया कि मैं तो भारत गया था और वहाँ पे मैं ड्राइवर वाला खाना इस तरह का खाता हूँ ताकि मेरा कैंसर बढ़े ना, वो ख़त्म हो जाए और देखो मैं ठीक हूँ। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को, सबको इकट्ठा कर लिया, देखो ये आदमी, इसको कैंसर था, ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रहा है। डॉक्टरों ने जैसा उनके बायोग्राफी में लिखा, ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल बिठा दिया, ज़बरदस्ती कीमोथेरेपी, रेडिएशन सारा शुरू किया, उसके बाद तो आपको पता ही है उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही इंसान इस दुनिया में आपको बचा सकता है, वो है आप खुद, आपके अंदर का गॉड, नोबडी एल्स, राइट। तो उस पर भरोसा कीजिए, और उसको आपका काम है कि उसको आपको सपोर्ट करना है, आपके अंदर का जो इंसान है उसको सपोर्ट करना है। अगर उसको सपोर्ट करेंगे बीमारी हो नहीं सकती, अगर है तो वो ठीक हो जाती है। हिस्ट्री में देखा गया है, चाहे मॉडर्न साइंस की बात करें या एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल और दिखाऊंगा, जो देखा गया है कि ये अगर आप ड्राइवर वाला खाना खाएं, ड्राइवर वाले दो ही तरह के खाने होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो कैंसर होगी नहीं, और होगा तो वो ठीक हो जाएगा। कैसे करना है, आज जब घर जाएंगे तो क्या करना है आपको, आज जब घर जाएंगे, जो लोग हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, राइट, उनमें एक दवाई होती है ब्लड थिनर, ब्लड को, खून को पतला करने वाला, ये बहुत ही खतरनाक दवाई है। खून को पतला करने से नुकसान क्या है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, घाव या काट छाट या इंजरी होती रहती है, जैसे बाहर होती है, लेकिन जब भी इंजरी बॉडी के अंदर होती है या बाहर होती है तो ब्लड क्या करता है वहाँ पे, वो क्लॉट करता है, क्लॉट को हिंदी में बोलें क्लॉटिंग, वो क्लॉट करेगा, राइट, तो वो खून का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन ब्लड थिनर जब लेंगे तो खून का बहना चालू रहेगा, और ये आपके लिए बड़ा खतरनाक है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो जो हार्ट की दवाइयाँ लेते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, उसको कम करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप इस डाइट पर जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल आने लगेगा, और मजबूरन आपको ब्लड प्रेशर की दवा छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ेंगे तो लो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, लो ब्लड प्रेशर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस डाइट पे आना है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट आपको रिपेयर कर रहा है, हर दिन आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड का थिननेस, सारा कुछ को रेगुलेट कर रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ भी कम करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। खैर, आपको करना क्या है, आज जब घर जाएंगे, घर जाते वक्त कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो, और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप वन, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं, ओनली फलों का खाना, फ्रूट डाइट। चार तरह के फल चुनने हैं आपके पसंद के, जैसे अंगूर ले सकते हैं। यस, आप जो अभी सुन रहे हो ना, अभी आप जो सुनना शुरू करने वाले हैं, ये दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं अपने, आप वहीं करते हैं दिल्ली में अपने पास, तो उसका 3 दिन का खर्चा 60,000 है, 60,000, और जो आपको फ्री में मिल रहा है आज, और जो इन्होंने मेरे को मेडल दिया वो वियतनाम, एक देश है इंडो वियतनाम, यानी इंडिया और वियतनाम ने मिलके एक बोर्ड बनाया है, दोनों देशों ने, उस बोर्ड के आप प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं उस बोर्ड के। सुनो, और जब वो डाइट, लोगों की गवाहियां इनके पास, जब वो डाइट लोग लेना शुरू करते, जब लोग ऐसा बताते कि जब वो इनके पास जाते हैं, मान लो आज इन्होंने बताया कि कल परसों, और मान लो आज क्या है, आज मंगलवार है, कि बुधवार, वीरवार और शुक्रवार हम आपको डाइट पे रखेंगे, तो बुधवार जब सुबह लोग इनके पास आते हैं तो वो लोग डर जाते हैं, वो बोल रहे डॉक्टर साहब आपने, वो बोलते हैं मेरा बीपी 200 है, बोलेंगे दवाई रख दो, ऐसे ही मैंने सुना आपके बारे में, मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा ये दवाई साइड पे रख दो, क्या खाते हो, और मैं टीके लगाता हूँ इंसुलिन के, मेरी शुगर 600 है, दवाई साइड पे रख दो, मतलब इतना चैलेंज से क्या, दवाई साइड पे रख दो, मैं आ खाना जी साइड पे रख दे, भी आ खाना साइड पे रख दे, आ 3 दिन तो मेरी मर्जी था खाना, तीजे दिन चेक कर लेंगे ठीक ना होया तो, किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं, तुसी उन ओ चीजां सुन रहे हो, पहला उन्होंने जो दसिया उन्हों इसलिए समझाना जरूरी सीगा कि शुगर 120 किन्ने निर्धारित किया कि 120 शुगर हैगी
पहला डॉक्टर कहते थे 1978 च कि जिदी 250 है उन्होंने शुगर है, फिर 99 च आ गया जिन्हू 200 है उन्होंने शुगर है, हूँ कहते जिन्हू 120 तो वाद उन्होंने शुगर। कहने का मतलब वो कहें कि सब तो पहले दिमाग चो कढ़ो बीमारी का डर कढ़ो, डॉक्टर को घट जाओ, स्कैनिंगा घट कराओ, क्योंकि कैंसर का सैल जो दसा कि सारियां कैंसर है, मैं तुम्हें अपनी भाषा च दसदा, वो मतलब यह है कि सारिया की बॉडी के बुरे सैल है। तो परमेश्वर ने बाइबल जी गल लिखी है कि परमेश्वर के जेडे वाइट सैल है ना, अगर मैं सही हूँ आप मेरे को बताना, जो वाइट सैल है वो हमारी जोड़ों में बनते हैं। और परमेश्वर ने पता की लिखा बाइबल च, कहता वो परमेश्वर का वचन तेरे गुदे गुदे ते जोड़ जोड़ नू अलग करता, पता तुम्हें, क्योंकि उत्थे वाइट सैल बनते हैं, वो वाइट सैल इलाज करते हैं चाहे ताड़ी बॉडी जेड़ा मर्जी सैल होए, चाहे कैंसर का होए, टीबी का होए, या कोई भी होए। मैं ठीक हाँ कि नहीं? किन्ने मेरी गल समझ रहे? बाइबल लिखा कि परमेश्वर का वचन तेरे गुदे गुदे नू ते जोड़ जोड़ नू, जिन्ने भी बुरे सैल है बॉडी च उन्हू परमेश्वर ने बनाया कि ताड़ी बॉडी उहदे नाल आप लड़ती है, तो तुहानू डॉक्टरों को जाण दी लोड़ नहीं। पर जदों असी जो परमेश्वर ने बनाया उन्हू खाणा छड़ दिंदे आ तो फिर वो सिस्टम काम करना बंद कर देता, वाइट सैल लड़न वाले सैल घट जाते हैं, बुरे वज जाते, समझो गुंडे वज जाते हैं तो पुलिस घट जाती है, जो तो गुंडे वज जाते फिर पुलिस से हावी हो जाते, उदा पुलिस ज़्यादा रेंदी तो गुंडे डरते रहते। हुण पुलिस किदा वधानी है तो गुंडे किदा काबू करने हैं, हुण वो गल तुसी ध्यान दे नाल सुनो, किन्या नूं समझ आ रही मेरी गल? हुण तुसी वो डाइट सुन जा रहे हो जिन्हों लैन तो बाद दसते पे हैं कि अगर तुसी बीपी की गोली खाते हो, शुगर की खाते हो, या कैंसर की दवाई खाते हो, वो अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब तुम डॉक्टर को जाना पैना कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर मेरी बीपी घट कि गया, क्योंकि तुहाडा बीपी नॉर्मल होने वाला। हुण सुनो ध्यान दे नाल। सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आपने अपनी भाषा में समझ ली कि ये जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ वो डाइट नहीं है, वो एक मेडिसिन है, दवा के रूप में काम करेगी। यानी कि जो भी दवा अभी तक आप ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवा, ब्लड शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, या फिर ब्लड थिनर, ये सारी दवाइयाँ आपको कम करनी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप बॉडी को नॉर्मल करेगा, और दवा भी लेंगे और ये भी लेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि वो भी अपने आप में एक बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। तो करना क्या है, देखिए सुबह जब आप उठेंगे, सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीज़ें, वो हैं फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का, वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है, आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट? आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ गल्लां शॉकिंग होनी तो बढ़िया शॉकिंग जो तुम कभी नहीं सुनिया, मैं तुम्हें फिर दसना चाहता है। ये डॉक्टर साहब पर्सनली किसी से मिलते नहीं, तो जो आप सुन रहे हो बड़े ध्यान से समझना, इन्हों को टेस्टमनीज है, साढ़े को टेस्टमनीज है, जड़े इन्हों की डाइट लैन तो बाद जी शुगर 15 साल तो 400 सी और इस टाइम 120 130 180 के करीब है। सुनो कि डाइट फ्रूट्स की गल कर रहे हैं, फ्रूट्स तो यानी कि याद रखिए गॉड का बनाया हुआ जो भी फल है वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। और कई बार इनको ये भी लगता है कि कुछ लोगों को मैं गरीब हूँ, है ना, मैं गरीब हूँ, असी कितों फल खाने हैं जी, मैं तो गरीब हाँ जी, मैं तो 2 रोटी खाना। आप सीजनल फल खा सकते हैं, जो सीजन आते जो सस्ते होंगे सीजन के टाइम असी वो खा सकते हैं। जे डॉक्टर को 1000 रुपया खर्च सकते हैं दवाइया तो ला सकते हैं, तो होस्पिटल धक्के खा सकते हैं, तो उन्हें घर बैठे सेब नहीं खा सकते आप? दसो हाँ कि ना? यस, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो मैं तो देखता हूँ कि फल कुछ फल है जो महंगे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फल सीजन वाले वो महंगे नहीं। मान लो केला है वो तो 12 महीने मिलता है 50 रुपये का है, दिल्ली में, यहाँ तो थोड़ा और कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा एक दर्जन, तो मैं तो हर दिन एक दर्जन केला ज़रूर खाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 12 बजे तक जो भी आप खाएं फल, और फल में भी कोई भी अपनी पसंद का जो आसानी से मिल जाए 4 तरह का फल। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा, अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट?
तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताजुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीजन में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी ना कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर ख़राब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाज़ार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं, पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग जो सुबह का बंद है ना, वो बंद, सुबह का चाय बंद, सुबह का जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है। क्यों? जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पेट आपकी मदद करने के लिए वो जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिसमैन है, उसको तैयार कर रखती है, खाना आने वाला है और ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन देगा, और चाय जैसी जाती है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं पेट वाले वो सारे मर जाते हैं चाय जाते ही। उसके बाद आप कोई अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी वो खराबी का काम करेगा, इसलिए सुबह का चाय ज़रूर ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपके बॉडी के वेट के अनुसार। मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम, छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट एक तिहाई होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना है, छिलका थोड़ा ना खा रहे जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए, 1 किलो, एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, वो उतना मेडिसिन, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये तीनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक, 12 बजे तक सिर्फ फल, 4 तरह के फल, कौन से वाले आप जो पसंद करते हैं वो, कितना खाना है आपके बॉडी के वेट के अनुसार, एक और शून्य लगा देंगे, 70 केजी तो मतलब एक और शून्य 700 ग्राम। अच्छा, एक बार में खाना है आपकी मर्जी। अच्छा, एक बार में 500 ग्राम खाया पेट भर गया कोई बात नहीं, एक घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी, भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल, ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे दोपहर के भोजन में, 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं, छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए, जितना खाना चाहते हो उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर, ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है, उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार। मान लीजिए आप हैं 70 केजी × 5, 70 केजी मेरा बॉडी वेट है × 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा × 5, इतना या इससे ज़्यादा, इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद, इसे कहते हैं प्लेट 1। प्लेट 1 में क्या होगा, 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें। वो 4 तरह की कौन सी वाली सब्जी, वो आप चुन लीजिए जो आपको मिल जाए, जिसमें आप स्वाद लगे, 4 तरह की। कितना अमाउंट याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी, नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं, लेकिन कितना खाना है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो मेडिसिन की तरह काम करे। प्लेट 1 खाने के बाद, उसके बाद प्लेट 2,
कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा, रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है, तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल लाल है, आपने स्कूटर अपनी रोक दी, पीछे एक पॉलिटिशियन की गाड़ी है, वो हॉर्न दे रहा है, वो VIP है, हॉर्न दे रहा है, लेकिन आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, तो ना चाहते हुए भी उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। वो है तो VIP, लेकिन अब वो DIP बन गया, बाकी सब की तरह उसको रुकना पड़ा क्योंकि आगे आप हैं और आप हिल नहीं रहे अपनी जगह से, राइट। ठीक उसी तरह से पहले आपको थैंक यू DIP खाना, 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें, और कितना मात्रा मैंने बता दी है या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे, तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है, वो आपको क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर, डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर ख़त्म कर दीजिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न आप याद रखिए, सनसेट, सूर्य अस्त से पहले पहले हमारे पेट में जो पाचन शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है, और सूर्य अस्त के बाद हमारे बॉडी का जो रिपेयरिंग है, ठीक करने, जो हमारे बॉडी के अंदर जो गड़बड़ है उसको ठीक करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं रात के, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर कर रही है, आपको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन खाना खा के आप क्या कर रहे हैं, बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बॉडी को बोल रहे हैं पहले इसको भोजन को पचाओ फिर अपना काम कर लेना। ऐसा नहीं करना है, आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना ख़त्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया, अगर आपका वेट 70 kg का आपका बॉडी वेट है, × 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी, उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की, तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। सो आपकी भूख और बढ़ जाएगी, तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है, जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे। ये हो गया स्टेप 2। अब आ गया तीसरा स्टेप, क्या चीज़ों को नहीं खाना है हमें। वो 3-4 तरह के, एक तो कोई चीज़ जानवरों से निकलती है वो नहीं खाना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध। ये पंजाब है, मैं हरियाणा में रहा हूँ पिछले 15 साल, उससे पहले चंडीगढ़ में, यानी कि पंजाब का पार्ट, 7 साल रहा हूँ, तो दूध आपके जीवन का अभिन्न पार्ट है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा शेर गाय का शिकार करता है, कभी आपने देखा शेर ने गाय को पकड़ लिया गाय का दूध पी रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दूध एक नेचुरल फूड नहीं है, गॉड ने दूध बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं बनाया है, उस जानवर के बच्चे के लिए। कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्टर साहब गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। गाय का दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन गाय के बछड़े के लिए भाई, आपके लिए नहीं। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब बचपन से दूध पीते आए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, इसलिए ये सारी बातें थोड़ा हजम होना मुश्किल है।
क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे, भाई दूध क्यों पीना चाहते हो, हड्डियां मजबूत होंगी। फिर मैं पूछता हूँ हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, कैल्शियम मिलता है। आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आदमी भी कैल्शियम मिलता है ये पता है उसको, वो कोई किताब में नहीं लिखा, वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है उससे उसको पता है कि कैल्शियम मिलता है। तो इसका मैं जवाब देता हूँ, कभी अपने गधे की हड्डी देखी आपने, क्या लगता है आपको मजबूत है कि वो नरम खराब सा है? अच्छा आपने गाय की हड्डी देखी होगी, वो हड्डी कैसी है? मजबूत मजबूत है। अच्छा हाथी की हड्डी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि गाय, हाथी, गधा वो भर भर के दूध पीता होगा और हड्डियों को मजबूत करता होगा? उनके हड्डियों में कैल्शियम कहां से आया? पत्तों से आया। आपके बॉडी में कैल्शियम कहां से आएगा भाई? वेजिटेबल से आएगा, पत्तों से आएगा। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूं कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है, राइट? आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में, 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुँचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की ज़रूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा और 15 यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में, मैं एक महीना नहीं बोल रहा, एक साल नहीं बोल रहा, एक दिन, वन डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो, राइट? तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज़ के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है, एवरी थर्ड पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियाँ हैं? सिर्फ 3 कंपनियाँ, US की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज, 90% मार्केट उनके कब्जे में है। ज़रा सोचिए अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी परसेंट मौत है, कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फ़ायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं, जो लगा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया, 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड 3 किन चीज़ों को नहीं खाना है। नंबर 1 पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा
दूध और दूध के प्रोडक्ट उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है साइंटिफिक एंगल से। इमेजिन कीजिए, दिमाग में आप सोचिए, देखिए कि मेरे हाथ में एक छाता है, छाता बड़ा सा है, फोल्डिंग छाता खोला हुआ है। अब मैं घर में एंटर कर रहा हूँ, लेकिन घर का जो दरवाज़ा है वो छोटा है, छाता बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, छाते को बंद करूँगा, घर के अंदर जाऊँगा, छाता फिर खोल सकता हूँ, क्योंकि छाते का साइज़ बड़ा है और दरवाज़ा छोटा है, फोल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक इसी तरह से जब भी आप वो DIP डाइट यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उसका जो साइज़ है सेल्स के दरवाजे के साइज़ से बड़ा होता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन है वो छाते की तरह फोल्डिंग है, फोल्ड होके वो दरवाजा सेल के दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर जाके वहाँ काम करते हैं। अब जब आप कोई न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, वो भी उस छाते की तरह दिखता है, खुला हुआ छाते की तरह, लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता है। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छाता है जो बंद नहीं हो सकता और वो दरवाजे के अंदर जाना है, दरवाजे का साइज़ छोटा है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे जद्दोजहद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उसमें क्या होगा, छाता टूटेगा, वहाँ पे स्क्रैच लगेगा और बहुत सारा डैमेज होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है, बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा, उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है step 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है, किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा। मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे हज़ारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज़ की छोड़नी पड़ेगी और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा। पहले 3 दिन में, पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज़, बवासीर सब बोल रहे हैं, बवासीर है, कब्ज़ है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगेंगे। 10% बॉडी वेट, जिसका वेट 100 kg है वो 90 kg का 1 महीने में। आपको मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये DIP डाइट जो मैंने बोला सिर्फ इतना ही करेंगे और ऐसा 1 महीने तक करेंगे, 10% वेट, जो मोटे लोग हैं उनका 10% वेट घट जाएगा। लेकिन 10% क्या, एक्चुअली उनका वेट घटेगा 20%। अगर वो 100 kg के हैं तो उनका फैट जो है, फैट वो 20 kg कम हो जाएगा और मसल्स 10 kg बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव वेट कितना हुआ, 90 kg, यानी कि वो स्ट्रांग बन जाएंगे। पतले दिखेंगे लेकिन स्ट्रांग बन जाएंगे, और वो जिम में जाएंगे तो ज़्यादा, जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा बोझ उठा पाएंगे, भार उठा पाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि कोई इंसान थोड़ा पतला दिख रहा है तो बोल रहा है आप तो कमज़ोर लग रहे हैं, वो बेचारा मायूस हो जाएगा, यार मैंने डाइट पे, वो लोग मुझे कमज़ोर बोल रहे हैं। तो वो कमज़ोर नहीं, वो एक्चुअली आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात, राइट? तो उसको तारीफ़ ही मानिए। लोगों को मोटा मोटा देखने की आदत है, कोई भी चीज़ अगर पतला है, स्लिम है, तो उसको बोलते हैं ये तो बीमार पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें बनाया है इतना मोटा। आप देखिए, जब आप कोई मोटा होता है, उसका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है उसकी साइज़ मुट्ठी बराबर है। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपका हार्ट का साइज़ मुट्ठी बराबर है, इतना ही रहेगा। अब मानिए ट्रक के अंदर मारुति 800 की इंजन हम डाल दें तो ट्रक कितना दूर जा सकता है भला? ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। अगर इतना मोटा एक आदमी है, उसका हार्ट इतना ही है, वो तो बढ़ सकता नहीं है, तो हार्ट को कितनी मुश्किल होगी इस आदमी को आगे तक चलाने के लिए। तो हार्ट के अनुसार ही आपके बॉडी का साइज़ होना चाहिए, तो बॉडी का वेट होना चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम इंसान दिखने में कोई बोलेगा बहुत हेल्दी ये लग रहा है, बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन उसको बोलें थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल के देखना, वो हाँफ जाएगा।
तो आपके अंदर जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपका बॉडी वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन मसल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन मसल्स पतले होते हैं, इसलिए आपकी कमर बहुत पतली हो जाएगी। जिनके गाल फूले हैं, गाल थोड़े अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको ताकत लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा। सो तीन महीने के अंदर अंदर आपके अगर कोई हार्ट की दिक्कत है तो सारी हार्ट की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हार्ट की दिक्कत कैसे पता चलती है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ हाउ टू नो कि आपके हार्ट में दिक्कत है। देखिए, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, बड़ा सिंपल है, ये समझिए, बिकॉज हमारे देश में 10 में से तीसरा डेथ, तीन डेथ का कारण है हार्ट। हर 10 में से 10 मौतें हैं तो 3 मौत का कारण है हार्ट, हर 10 में से 2 मौत का कारण है कैंसर, राइट? तो इसलिए हार्ट और कैंसर पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा मुझे। सो हार्ट की बीमारी में क्या होता है कि जिनको हार्ट की बीमारी होती है उन्हें कैसे पता चलता है, जब वो चलते हैं सीढ़ियों चढ़ के ऊपर आते हैं, कई बार वो नोटिस करते हैं, यार जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो थोड़ा यहाँ पर दर्द होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा नहीं, मैं लिफ्ट लूँगा, तो वो दर्द गायब हो जाता है। फिर धीरे धीरे देखता है कि जब भी मैं सामान लेके जाता हूँ तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो सामान लेना भी बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद देखता है वो कि जब मैं यूं ही तेज़ी से चलूँ तब भी दर्द करने लगता है, तो वो सोचता है मैं तेज़ी से चलूँगा ही नहीं, धीरे धीरे चलूँगा। फिर एक समय आता है वो देखता है कि जब मैं धीरे धीरे भी चल रहा हूँ तब भी मैं हाँफ जा रहा हूँ, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, चुभन हो रही है। अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखाई देता हूँ, चुपचाप, घर में नहीं बताया, चुपचाप चला गया डॉक्टर के पास, यूं ही घर वाले परेशान होंगे, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ जैसे मैंने आपको बताया, वो डॉक्टर क्या बोलेगा? इसका सीधा मतलब ये है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर बोलेगा पता नहीं, हो सकता है ब्लॉकेज हो सकता ना हो, ऐसा करो एंजियोग्राफी करा लो, पहली बात, राइट? एंजियोग्राफी करा लो डॉक्टर साहब, जो है वो कर लीजिए, तो ठीक है यहाँ साइन कर दो। क्या साइन कर दो? कि एंजियोग्राफी कराते वक्त अगर मेरी मौत हो गई तो मैं जिम्मेदार हूँ, ये डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। जैसे ही वो पर्चा देखते हैं आप, अरे ये इसमें मौत की क्या बात हो गई, तो तब आपको समझ आती है कि एंजियोग्राफी मतलब कोई ख़तरनाक चीज़ होने वाली है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर ऐसा सिम्टम होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वो DIP डाइट में रहेंगे एक महीने से तीन महीने के अंदर वो ब्लॉकेज गायब हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज गायब हो गया? बहुत आसान। अब सीढ़ी चढ़ेंगे दर्द नहीं हो रहा, अब दौड़ेंगे दर्द नहीं हो रहा, सामान उठाएंगे दर्द नहीं हो रहा, पता चल गया ना। तो कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं है, गॉड ने आपके बॉडी के अंदर डायग्नोस्टिक बिठा दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप पर विश्वास न करके वो मशीन पर विश्वास करते हैं। मशीन पर विश्वास करना कम कीजिए। आजकल क्या करते हैं वो ना, गूगल मैप कहीं भी जाना है तो गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। मुझे ताजमहल जाना था, मैंने कहा कि भाई मैप ऑन करो, मैप बताता है सीधे जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। फिर एक जगह पहुंच गए, हमने देखा ये रहा ताजमहल, ये रहा सामने, आंखें दिखा रहे, बोल रही ताजमहल, एक आदमी बोल रहा है ताजमहल, कान में भी आवाज़ आ रही है तो ताजमहल है, लेकिन गूगल मैप बोल रहा है 2 किलोमीटर और आगे जाओ। तो किसकी बात मानूँ मैं, गूगल मैप की बात मानूँ या जो मुझे दिखाई दे रहा उसकी बात मानूँ? लेकिन मैं तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, मैं तो एडवांस आदमी हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी आंखें धोखा दे रही है, मेरा कान धोखा दे रही है, गूगल मैप ठीक है। तो गूगल मैप के अनुसार मैं 2 किलोमीटर और आगे जाऊँगा, एक झोपड़ी दिखेगी, गूगल मैप बोलेगा यही ताजमहल है, मैं बोलूँगा यही ताजमहल है। समझने की ज़रूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी पे इतना भी भरोसा नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। जो टेक्नोलॉजी आपके अंदर है, क्या भगवान ने जो टेक्नोलॉजी आपको बना के दिया, क्या वो टेक्नोलॉजी कोई बना सकता है भला? सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी तो हम खुद हैं, लेकिन हमने अपने आप पे विश्वास करना कहीं छोड़ दिया है। तो अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपकी बॉडी आपको बताएगी, दर्द के रूप में, पेन के रूप में, डिस्कम्फर्ट के रूप में। और अगर प्रॉब्लम है तो यानी कि आप बीमार हैं, चिंता की बात नहीं है। जैसे आप इस डाइट पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर का पेशेंट मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हैं पूरे दुनिया भर में, और वो जब इस डाइट पर रहते हैं, मैं थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज की बात कर रहा हूँ, थर्ड स्टेज कैंसर फोर्थ स्टेज कैंसर, ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लड कैंसर वाला पेशेंट तो कभी जिंदा बचता ही नहीं है 3-4 महीने के ज़्यादा। और ऐसे पेशेंट्स अगर ये डाइट पे आते ही अब उनका कैंसर और फैलना बंद हो जाता, उसी वक्त से, उसी दिन से, सेम डे
कैंसर फैलना बंद हो जाता है और धीरे 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 9 महीने लगते हैं और कैंसर बिल्कुल पूरी तरह चला जाता है, 9 months। कैंसर सेल सारे कम हो गए। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास मजाक मजाक में, डॉक्टर साहब आपका वो जो डाइट है वो डाइट में फॉलो करते हुए कुछ महीने हो गए हैं, मेरा ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी कम हो गया, मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी कम हो गई। लोगों को लगता है ये डाइट इतना मुश्किल है, हम पैदा ही किस लिए, खाने खाना ही को नहीं मिल रहा तो जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप ये वाला खाना खाने लगेंगे कुछ दिनों के अंदर, 21 days, 21 दिन के अंदर यही खाने को स्वादिष्ट मानने लगेंगे। आपका जो जीभ है, जीभ को नहीं पता क्या स्वादिष्ट है क्या स्वादिष्ट नहीं है। जो भी चीज़ आपने जीभ में लगातार 21 दिन तक रख दिया, जीभ 22वें दिन बोलता है यही स्वाद है। ज़रा सोचिए, जो शराबी था पहली बार जब आपने शराब पिया, जिसने पिया, क्या बड़ा टेस्टी लग रहा था, बड़ा स्वाद लग रहा था। लेकिन आपने क्या किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपके दोस्तों ने आपको हेल्प किया, फ्री में आपको शराब पिलाया और आपने पिया, फ्री में मिल रहा है। 21 दिन 22वें दिन आपने अपने पैसे का शराब पिया। बोलने का मतलब यह है कि आपका जीभ का कोई परमानेंट स्वाद नहीं है, स्वाद बदलता रहता है। कोई भी चीज 21 दिन तक करेंगे तो वही स्वादिष्ट बन जाएगा, कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार छोड़ देंगे तो जीभ उसके स्वाद को भूल जाएगा। 21 दिन का ही तो मामला है सारा, तो 21 दिन इतने, इतनी शक्ति तो आप में है तभी आप यह सब यहाँ पे हैं। सारे लोग तो नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं पूरे दुनिया में से दूर दूर से आए हैं तो वो शक्ति की वजह से आए हैं। वो शक्ति आपको 21 दिन के लिए देगा, उसके बाद आपका स्वाद चेंज हो जाएगा। भगवान का बना हुआ जो खाना है, गॉड का बना हुआ खाना है, उससे ज़्यादा टेस्टी थोड़ा ना आप खाना बना सकते हैं। इंसान सोचता है ये टमाटर क्या बना दिया, मैं बनाती हूँ इसको तल के, उसको उसमें घी भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया, मिर्च भी छिड़क दिया, अब बोलते हैं इसमें स्वाद आ गया। आप एक काम कीजिए, जो चीज़ जैसे भगवान ने बनाए वैसे खा के देखिए 21 दिन तक, आपको ये पता चल जाएगा कि इतने सालों तक हमने क्या मिस किया, क्या चीज़ हमारे जीवन में आ नहीं पाई। खैर, देर नहीं हुई है, जो भी जहाँ पे है अपने जीवन के उसी स्टेज में आप इसको अपना सकते हैं। तो मैंने देखा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, लंग्स के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको लगभग 6 महीना लगता है। 6 महीना अगर वो ये डाइट पर रहें, 6 months, तो उसकी जो पंप है वो छूट जाता है, उसके अस्थमा ठीक हो जाता है। 6 महीना, 6 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है तो उसकी हिम्मत बनी रहती है। देखता है आज मैं कल से अच्छा हूँ, आज मैं कल से अच्छा हूँ, यही ताकत मिलती रहती है और थोड़ा 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक होता है। जो घुटनों के जो पेशेंट्स हैं, घुटनों का जो दर्द है, यहाँ पे घुटने के दर्द के लोग थोड़े बहुत हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, घुटने का दर्द होता क्यों है और क्या करना चाहिए हमें। घुटने के दर्द का के होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, जब गॉड ने आपके घुटने बनाए, ये स्पेयर पार्ट, जैसे मारुति गाड़ी या कोई भी कार का स्पेयर पार्ट होता ना, कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो टायर का साइज इतना होना चाहिए, उसके इंजन का साइज इतना होना चाहिए, तो गॉड को पता है कि आपके बॉडी का साइज इतना होगा तो उसके लिए घुटने इतने ही होंगे। लेकिन आपका साइज इतना बड़ा हो गया, गॉड को पहले ही पता होता कि आपका साइज इतना होने वाला है तो घुटने इतने बड़े बड़े करता, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई। हमारे बॉडी का जितना वेट होना चाहिए, भार होना चाहिए, उससे अगर डबल भार होगा तो घुटने कब तक सहेंगे, पहला कारण। दूसरा, अगर आप अंदर एक लेंस लेके देखेंगे घुटनों के अंदर, तो बहुत सारे छोटे 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 घाव मिलेंगे, घाव, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, घाव मिलेगा, जख्म, जख्म, वो जख्म जब भरेगा उस दिन घुटने का दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, तो वो जख्म भरें कैसे, उस घाव को भरना कैसे है, उसके लिए आपको चाहिए दवा। मैं भगवान का बना हुआ एक दवा की बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कल घर जाके मान लो कभी कुछ कट जाता है, कहीं कट गया गलती से, ब्लेड लग गया, कट गया, आप क्या करते हैं, डेटॉल लाते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, लगा देते हैं। आप डेटॉल मत लगाइए, आप कोई भी सब्जी लीजिए, पालक या कोई भी और पत्ता, जो पत्ता मिल जाए आपको उसका जूस निकालिए, कोई भी पत्ते का जूस निकालिए, पालक का जूस निकालिए, मूली का जूस निकालिए, गेहूँ के ज्वारे का जूस निकालिए, जूस लेके लगा दीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि उसी वक्त खून बहना बंद हो जाएगा और तेज़ी से 1-2 दिन के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वहाँ पे कट गया था, यानी कि वो मरहम गॉड का बनाया हुआ ऑलरेडी है आपके पास। थैंक यू। तो पत्तों का जूस अगर आप पिएंगे तो ये घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। 3 महीना लगेगा लेकिन भर जाएगा, ये पक्का है, ये मैंने हज़ारों बार देख लिया है। राइट, सो
जो जिन लोगों का कहीं भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, तो यानी कि वहाँ पे अगर आप देखें अंदर लेंस लगा के, तो वहाँ घाव है, वहाँ जख्म है, तो जख्म का इलाज आपको पता चल गया, वो तो आपको पता है। कोई भी पत्ते का जूस, वो पालक का पत्ता हो सकता है वो, या कोई भी, या पत्ता खा लीजिए, जूस कौन बनाएगा, पत्ता खा लीजिए। रोज़ 100 से 200 ग्राम पत्ते खाने चाहिए सभी को। ज़रा सोचिए सही, पूरे दुनिया में एक तिहाई दुनिया का जो पूरा जगह है वो हरे से भरा हुआ है, ग्रीन, कोई तो कारण होगा ना। शेर भी जब बीमार पड़ता है तो वो पत्ते खाता है, इंसान जब बीमार पड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है। शेर जब बीमार होता है वो घास खाता है, घास खाता है, और पेट उसका घास खाने से ही ठीक होता है। हाँ, पेट उसका घास खाने से। आपके पास अगर कोई डॉग है, जो लोग कुत्ता रखते हैं घर पे, आपने देखा होगा कि जब वो बीमार पड़ता है वो क्या करता है, सीधे जाता है, वो राउंड में जाता है, वो घास खाने लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर तो इलाज है। और ये आपकी तरह बाइबल का मैं महारथी नहीं हूँ, लेकिन बाइबल में ये पत्ते वाली बात लिखी हुई है, ये मैंने पढ़ा है। गेहूं के ज्वारे पत्तों का, ये वो घास का इम्पोर्टेंस, ये लिखा हुआ है। और वो आजकल की मॉडर्न साइंस इसको देख के उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो जब पेट के अंदर जाएगा तो पूरे बॉडी में कहीं भी जख्म होगा तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो चाहे वो डायबिटीज़ हो जो 3 दिन में कंट्रोल होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो जो 1 हफ्ते में कंट्रोल होगा, चाहे वो मोटापा है जो 1 महीने में, हार्ट की बीमारी 3 महीने में, अस्थमा है तो 6 महीने में, या कैंसर होगा तो 9 महीने में, ठीक उसी तरह से किडनी का स्टोन अगर है तो इस डाइट पर रहने से स्टोन क्या होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, छोटा होता जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हर दिन छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, छोटा होगा, और एक टाइम आएगा जब वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो बस इस डाइट पर रहना है। तो ये डाइट क्या करता है, एक साथ सारी बीमारी पर काम करता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, ब्लॉकेज होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन ये डाइट उस पर भी काम करेगा जितना कि ब्लड प्रेशर पर काम करेगा। जब मैंने आपको पूछा था कि कैंसर क्यों होता है लोगों को, तो आपने बोला था कि अगर पका हुआ खाना हर टाइम खाएंगे तो कैंसर को रोक नहीं पाएंगे। और जो पंजाब में जितना भी फसल होती तो वो रसायन डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, जितना मेडिसिन केमिकल और पका फूड जाएगा और बिस्किट मैदा ब्रेड जाएगी तो कैंसर को रोक नहीं सकता, कैंसर नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने टमाटर बनाया, उसने रॉ फूड बनाया, उसको तोड़ेंगे तो वीआईपी डाइट, तो वीआईपी डाइट कहीं भी जाएगी बॉडी के अंदर कहीं जाएगी तो कैंसर बनाएगी, तो वो कैंसर इकट्ठा हो जाएगा, वो फैलेगा। यस, डीआईपी डाइट से ये कम होता ये कम होगा, चाहे वो पथरी हो, एथराइटिस हो, घुटना हो, कैंसर हो, या टीबी हो, या हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर, पेट का डिसऑर्डर हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्किन डिसऑर्डर हो, ये खत्म होगा। स्किन डिसऑर्डर जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 साल। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो ऑर्गन बॉडी के पेट के जितने करीब है वो जल्दी ठीक होता है। जो ऑर्गन पेट से, जो स्किन है सबसे दूर है, तो टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाने में। लेकिन 1 साल भी जो स्किन के पेशेंट है मैंने देखा, 10 साल 15 साल 20 साल वो परेशान होते रहते हैं, 1 साल भी उनके लिए क्या मायने रखते हैं। और ऐसा नहीं कि 1 साल बाद ठीक होना शुरू होगा, 1 साल में ठीक पूरा हो चुका होगा, हर दिन ठीक हो रहा होगा स्मॉल लेवल में। आपने एक बात बताई थी बेंगलोर में कि जब हॉस्पिटल बंद होते हैं, हाँ, तो उन दिनों में मौत कम होती, मॉर्टलिटी कम होता है। जब भी देखा गया दुनिया में, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, सुनो ध्यान से, ये चीज़ दुनिया में ये देखा गया है, इंडिया की बात करें, यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, हर जगह डॉक्टरों की हड़ताल होती है, जैसे बाकी लोगों की हड़ताल होती है। जब जब किसी भी जगह पे डॉक्टरों की हड़ताल होती है तब तब वहाँ पे लोग, जो जनरल आबादी है, उनकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, वहाँ पे मौतें कम होने लगती है। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000 में ये आया है कि दुनिया में देखा कि जब जब डॉक्टर की हड़ताल हो गई, वहाँ की आबादी की सेहत न जाने कैसे अपने आप अच्छी होने लगी, और जैसी हड़ताल ख़त्म हुई दोबारा से सेहत खराब होने लगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक हर साल मार्च के महीने में दुनिया के जितने भी हार्ट के डॉक्टर, वो 25,000 डॉक्टर हर साल मार्च के महीने में कैलिफोर्निया में मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, 3 दिन के लिए मिलते हैं। ये 2001 से चला आ रहा है। 2012 में किसी ने पूछा कि 3 दिन के लिए सारे दुनिया के हार्ट के डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल को छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, तो उन हॉस्पिटल में, उन देशों में उस दिन जो लोग हैं हार्ट के बीमार लोग, उनका क्या हाल हो रहा होगा? वो सब तो मारे जाएंगे, डॉक्टर तो है नहीं कहीं, सारे तो कॉन्फ्रेंस बैठे हैं। तो किसी का आइडिया था ये इस तरह के हार्ट की कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया जाए जहाँ 3 दिन के लिए सारे के सारे हार्ट के डॉक्टर गायब हो जाते हैं दुनिया से और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं।
तो किसी ने पूछा बंद करने से पहले ये देखते हैं कि 10 साल से तो ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं, तो 10 साल से उन 3 दिनों में हॉस्पिटल में मौतें कितनी बढ़ गई हैं। तो पिछला सारा रिकॉर्ड निकाला गया 10 सालों का, 2001 से लेकर 2010 तक का, 11 तक का, कि भाई कितनी मौतें हुई उन 3 दिनों में। तो देखा गया उन 3 दिनों में बाकी दिनों के मुकाबले, जबकि डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में उसके, तब कंपेयर करें तो देखा गया जब डॉक्टर गायब होते थे तब जो मौतें थी, मॉर्टलिटी था वो 8% घट जाता था, 8% रिडक्शन। यानी कि डॉक्टर का ना होना आपके सेहत के लिए अच्छा ही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेडिसिन है उससे बाहर आना है हमने, और परमेश्वर ने खाना बनाया सानू दिता और सब कुछ दुनिया च भेज आदम नू बनाया तो सारा कुछ नाल बनाया, तो उही चीज़ा दस रहे कि जिहड़ियां चीज़ा परमेश्वर ने बनाइया अगर खाऊंगे तुसी तुहानू ना दवाइया की डॉक्टर पैनी है लोड़ पैनी तो ना डॉक्टरों की लोड़ पैनी, डॉक्टर परमेश्वर वालों है, पर जे परमेश्वर के सिस्टम तुसीं फॉलो करोगे तो फिर तुहानू उहदी भी लोड़ नहीं पैनी। आमीन। इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल क्लिंटन आप जानते हैं, यूएस के फॉरेन प्रेसिडेंट, 2004 में उनको 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में 2 एंजियोप्लास्टी हुआ, मतलब सर्जरी पे सर्जरी वो बीमार पे बीमार पड़ते गए। 2010 में उनकी हालत ऐसी हो गई, अगर आप उनकी 2010 की कोई फ़ोटो देखेंगे तो बहुत मोटे और बहुत ही बुद्धू से दिखेंगे, क्योंकि जब भी किसी की सर्जरी होती तो ब्रेन के सेल और डैमेज हो जाते हैं तो वो बुद्धू दिखने लगता है, उसको सोचने की समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो 2010 तक वो बहुत कमज़ोर हो गए, दिखने में मोटे हो गए, दिमाग से बुद्धू हो गए, और उनका इलाज चल रहा था, लग रहा था अब ये जिएंगे नहीं। 2010 में उनको इस तरह का जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में पता चला कि इस तरह के खाने खाने से लोग ठीक हो जाते हैं, हार्ट का पेशेंट ठीक हो जाता है। तो बिल क्लिंटन ने सोचा मैं भी इस डाइट को अपना के देखता हूँ यूं ही। जैसे ही वो इस डाइट पे आए उनको ताज्जुब हो गए कि कुछ ही दिनों में उनकी हार्ट की बीमारी गायब हो गई। मैंने टेस्टिमनी सुनी है उनकी। सुनी आपने? बिल क्लिंटन की गवाही मैंने सुनी है, पूरी नहीं सुनी पर मैंने ऐसा कुछ सुना है कि जब उन्होंने कुछ डाइट चेंज किया उसमें शायद वो मीट नहीं खाते, दूध नहीं पीते और सिर्फ फल और सब्जी और जो बाहर का खाना नहीं खाते तो वो पतले भी हैं शायद। अब पतले हैं। 2010 में ऐसा शुरू किया उन्होंने, आज 2017 है, तब से लेके आज तक वो दोबारा बीमार नहीं पड़े, तब से लेके आज तक। और उनको मीडिया ने पूछा कि आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऑडियो इसका ऑडियो बढ़ाओ। I did it because after I had this stent put in, I realized that even though it happens quite often that after you have bypasses, you lose the veins because they're thinner and weaker than arteries. The truth is that it clogged up, which means that the cholesterol was still causing buildup in my vein that was part of my bypass. And thank God I could take the stents. I don't want it to happen again. So I did all this research and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, I eat very little fish. Once in a while I'll have a little fish, not often. If you can do it, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. Their arterial blockage cleans up, the calcium deposit around their heart breaks up. This movement has been led by a doctor named Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, Dean Ornish in Manoa in California, the doctors Campbell, father and son, who wrote the China study, and a handful of others. But we now have 25 years of evidence. And so I thought, well, since I need to lose a little weight for Chelsea's wedding, I'll become part of this experiment. I'll see if I can be one of those that can have a self-clearing mechanism. We'll see. I hope you're helping. आपने अभी सुना बिल क्लिंटन ने जो बोला कि जैसे ही मैंने अपना डाइट चेंज किया, यानी कि दूध छोड़ दिया, मीट खाना छोड़ दिया, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे आ गया, एकदम से मेरे हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मैं पतला हो गया। तो ये एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, उनमें से एक डॉक्टर है टी कोलिन कैम्बल, चीफ साइंटिस्ट ऑफ चाइना स्टडी, एक और डॉक्टर हैं कॉलवेल एजस्टीन, जिनके नाम उन्होंने लिए। मुझे मौका मिला उन सारे डॉक्टर्स से मिलने का, उनसे ट्रेनिंग लेने का। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया, कॉलवेल एजस्टीन से, टी कोलिन कैम्बल से, जिनका पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैंने उनसे ये पूछा, एक बात पूछी, मान लो कोई हार्ट का मरीज है,
ये उनके डॉक्टर हैं, हाँ, बिल क्लिंटन के, बिल क्लिंटन, ओके, जिनका नाम बिल क्लिंटन लिया, ओके, ही गेव क्रेडिट टू दीज पीपल, राइट, बिल क्लिंटन ने बोला कि इनकी वजह से मैं ठीक हूँ, राइट, तो इन डॉक्टर से मैंने ट्रेनिंग लिया कि अगर कोई हार्ट का मरीज है जिसको हार्ट अटैक आया है तो, और ये डाइट पे स्टार्ट करते हैं तो कितने दिन लगेंगे कि जिसके बाद उसका हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे दोबारा हार्ट अटैक ना आए, ब्रेन स्ट्रोक ना आए। उनका जवाब था पहले दिन के पहले मील, पहली डाइट से ही वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा और वो वाला इंसान हार्ट अटैक प्रूफ पहले दिन में ही बन जाएगा, पहले दिन में ही। ये कॉल्वेल एसिटिन का जवाब था कि जैसे ही इस डाइट पे कोई पेशेंट आता है तो उसको हार्ट अटैक जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो कई बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक करना पड़ेगा। इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मान लो कोई गंदा है, पूरा कीचड़ वीचड़ लगा है, तो बोले साफ होने के क्या करना है, तो नहा लिया, अच्छी तरह से साफ हो गया। अब वो बोलेगा साफ रहना तो क्या करना पड़ेगा, एक दिन अगर आप नहा लेंगे तो जीवन भर साफ रह सकते हैं भला? नहीं, नहीं रह सकते। अगर तो जीवन भर साफ रहना है तो एक ही तरीका है कि जीवन भर हर दिन नहाना पड़ेगा, जो कि आप करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी सिर्फ एक दिन खाना खा लिया या एक महीना दो महीना, ठीक रहने के लिए, ठीक होने के लिए तो एक महीना काफ़ी है, लेकिन ठीक होने के बाद ठीक रहना भी तो है। तो ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। कई बार बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं जब अब पार्टी में जाऊंगा, पिकनिक में जाऊंगा, मैरिज शादी में जाऊंगा, तब मैं बोलूंगा लोगों को ये प्लेट वन लूंगा, फिर प्लेट टू लूंगा, लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, ये सोचेंगे ये क्या आदमी है। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डाइट, एक दिन फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरे हफ्ते अगर ठीक से आपने ये खाया, एक दिन आप चाहे तो उल्टा सीधा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अलाउ हो गया, राइट। सो हफ्ते में एक दिन, क्योंकि आप पार्टी जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, शादी में जाते हैं, रोज थोड़ा ना जाते हैं, हफ्ते दस दिन में कभी एक दिन जाते हैं, तो जब तब चले गए तो तब कुछ भी खा लिया जो आपको मिल गया, अगर आपको खाने का मन कर ही रहा है वो सब। लेकिन बाकी जब घर पे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरह के डाइट पे ही रहना है। सो अब ये सवाल एक आता है साइंटिफिकली, जब इस डाइट पे कोई रहेगा तो वो बॉडी ठीक कैसे करती है। इसका जवाब मैं आपको अगले स्लाइड में दे रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि ये डाइट क्या करता है। ये डाइट एक ही काम करता है, जब ये डाइट आप लेंगे तो ये आपके बॉडी में एक केमिकल की मात्रा बहुत बढ़ा जाता है, उसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो लाल कलर है वो आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब वो नाड़ियाँ हैं जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, खून बहता है, और कई बार कुछ लोगों के केस में वो कहीं कहीं अटक जाता है, वो ब्लड में वेसल में कहीं पे गांठ लग जाती है या क्लॉटिंग हो जाता है या वहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, उस केस पे ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता। अब आप देख रहे हैं एक नीले रंग की पाइप देख रहे हैं, ये नीले रंग की पाइप को मेडिकल भाषा में बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरीज। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, तो चार पहिए के अलावा एक और पहिया होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी, स्टेपनी पाँचवा पहिया, और पाँचवा पहिया उस वक्त कोई काम का नहीं होता, लेकिन किसी दिन अगर पंचर हो गया कार तब आपको पाँचवें पहिए की याद आती है और आपकी गाड़ी चलती रहे, आपका जर्नी पूरा हो, इसीलिए जो कार का मैन्युफैक्चरर है उसने एक पाँचवा पहिया भी डाल दिया कि किसी दिन अगर पंचर हो गया चार में से कोई पहिया तो आप उसको बदल देंगे पाँचवें पहिए से और आपके जीवन के वो कार चलती रहेगी। ठीक उसी तरह से जब आप और हम पैदा हुए तो गॉड ने हमारे अंदर भी वो स्टेपनी बना दिया। वो स्टेपनी भगवान ने जो बनाया वो दिखने में क्या है, ये नीले रंग का जो पाइप देख रहे हैं वो स्टेपनी के बराबर है। अगर आप अंदर झांकेंगे लेंस लेके, माइक्रोस्कोप लेके, आपके बॉडी में हजारों लाखों बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के ब्लड वेसल्स हैं जो कि काम नहीं करते, वो स्टेपनी की तरफ पड़े रहते हैं। लेकिन किसी का अगर ब्लड में, ब्लड वेसल में कभी ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए वो जो स्टेपनी है, वो जो ब्लड वेसल है वो खुल जाता है और वो इंसान को हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा और उसकी लाइफ ठीक से चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर ये स्टेपनी हम में से हर एक के बॉडी में ऑलरेडी बना हुआ है तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है। जवाब ये है, इमेजिन कीजिए आपके कार रास्ते में पंचर हो गई, आपका स्टेपनी भी है, लेकिन स्टेपनी होना ही सफिशिएंट नहीं है, अगर पहिए को बदलना है तो उसके साथ क्या चाहिए, कुछ औजार भी तो चाहिए, उस औजार के बिना वो स्टेपनी भी आपके लिए मीनिंगलेस है।
ठीक उसी तरह ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं ब्लड वेसल, ये तभी काम करेगा जब इसको बॉडी कुछ औजार देगी। उस औजार का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नोबल प्राइज विनिंग साइंस है। 1998 में मेडिकल साइंस ने पाया कि अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड भर जाए, ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, तो आपका वो जो नीले रंग की पाइप है वो खुल जाती है और ऐसे लोगों को कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता। तो ये खाना क्या करता है, आपकी नीले रंग की पाइप को नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा खोल देता है, जिससे आप बन जाते हैं हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक प्रूफ, यानी कि आपके जीवन में कभी भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आपको नहीं होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आखिर में एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा जिससे मैं इसको क्लोज करूँगा। यहाँ आपने देखा कि बचपन से हमारी आदत है, खास तौर पे पंजाब में, यहाँ मैं रहा हूँ कई साल रहा हूँ, मीट खाने का, अंडे खाने का, दूध पीने का, कि इसी में ताकत है, और ये सब अगर हम नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं एक देश गया, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में एक जगह है, छोटी सी जगह है, सुरिन। हर साल दिसंबर के महीने में वहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, हाथियों का फेस्टिवल। हाथियों के झुंड आते हैं, बहुत सारे हज़ारों में आते हैं हर साल, और टूरिस्ट पूरी दुनिया से उन हाथियों को देखने आते हैं। 2015 में जब ऐसा हुआ, नवंबर का महीना, तो तब मुझे गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया उस फेस्टिवल में। तो फेस्टिवल में मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ पे हाथी, खूब सारे हाथी चारों तरफ दिखे, और वहाँ पे मुझे मिलाया गया हाथी के डॉक्टर से, डॉक्टर पिटारा, हाथी के डॉक्टर। आदत से मजबूर मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या हाथी को कभी कैंसर होता है? जवाब मिला, नहीं होता। फिर मैंने पूछा, हाथी को डायबिटीज़ तो होती होगी? जवाब आया, वो भी नहीं होती। मैंने कहा, हार्ट की बीमारी तो होती होगी? कहा, नहीं, हाथी में हार्ट की बीमारी भी नहीं पाई गई। फिर मैंने पूछा, हाथी का ब्लड प्रेशर हाई तो होता होगा? कहा, ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जिससे ब्लड प्रेशर हाथी का नापा जाए, लेकिन लगता यह है कि ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल ही रहता है। मन में ख्याल आया, जब हाथी बीमार पड़ते ही नहीं है तो हाथी का डॉक्टर रखने की ज़रूरत भी क्या है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि एक अनाउंसमेंट पे मेरा ध्यान गया, वो अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था कि कृपया करके हाथी को इंसानी खाना ना दें, हाथी बीमार पड़ जाएंगे। सो बोलने का मतलब है कि एक ही कंडीशन में हाथी बीमार पड़ता है, जब उसको पका के खाना देते हैं, राइट, छोले भटूरे दे देंगे, ब्रेड दे देंगे, दूध पिला देंगे, रोटी दे देंगे, चावल दे देंगे, दैट इज़ द ओनली कंडीशन जब वो बीमार पड़ता है। फिर मैंने देखा कि पूरी सड़क जो भरी थी थोड़ी देर पहले फल और सब्जी से बिखरे हुए थे, लोगों ने वहाँ बिछा के रखे थे, हाथी खा खा के उनको ख़त्म कर दिया। तो हाथी का डाइट क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो दुनिया का, इस प्लेनेट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, उसका जो डाइट है वही तो आपका डाइट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। सो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि इस डाइट पर आप रहिए 15 दिन। उसके बाद जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग भागते हैं, जो लोग कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना, उनके लिए आसान है, अपना कितना ताकत बढ़ गया, अपनी स्पीड कितनी बढ़ गई, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अभी कितनी स्पीड है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप हर दिन पिछले दिन से और अच्छे होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर आप बीमार नहीं हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। विद दिस ओनली स्मॉल चेंज, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे सो आप देखेंगे कि यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर। अब क्या है कि छोटी सी बात, कि मान लो कहीं बुखार हो गया, जैसे आजकल चल रहा है दिल्ली में डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं और दवा लेते हैं, तो उससे किसी भी तरह से बुखार कंट्रोल करते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगले 1 साल तक 1.5 साल तक उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो सालों तक रहता है। एक और बीमारी आ गई, एक बीमारी ख़त्म करने गए, एक और बीमारी घर लेके आए। आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, एक मेथड दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, ये तरीका अपनाते ही चिकनगुनिया, डेंगू या फीवर, ये एकदम कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड और टेम्परेचर एकदम कंट्रोल हो जाएगा। वो ये, अगर ऐसा कुछ होता है, चिकनगुनिया, डेंगू या टेम्परेचर बढ़ता है आपका, तो 3 दिन के लिए प्लेट 2 बंद कर दीजिए, और अगर ऐसा करेंगे, सिर्फ प्लेट 1 और फ्रूट डाइट पर रहेंगे, तो आपका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है, वो 102 से नीचे ही रहेगा, और 3 दिन के अंदर आप पूरी तरह से डेंगू और चिकनगुनिया से आज़ाद हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आप उससे भी जल्दी आज़ाद होना चाहते हैं, तो एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कि
उस तीन दिन में आपको दिन में कम से कम 5 बार पूरे दिन भर में नारियल पानी भी जोड़ देना है, 5 5 5 15 नारियल पानी। तो वो जो नारियल पानी है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा नेचर का बनाया हुआ मिनरल वाटर है, और वो जो पिएगा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, बढ़ा हुआ टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है और इंसान के अंदर जो वायरस है एकदम वो उसको मार के बाहर भगाता है। जो एक बार आप ट्राई कीजिए, कोई अगर आपके आसपास ऐसा मिलता है तो उसको ज़रूर ये मैसेज पहुँचाइए। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस माई टॉक। आपने मौका दिया सुनने के लिए, सुनाने के लिए। सो आपने बड़े ही धैर्य के साथ, ये बोरिंग सब्जेक्ट बोलूँगा कि मेडिकल में किसी का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपने इतनी रात में भी ध्यान से सुना तो मैं तो ताज्जुब हूँ। सो धन्यवाद, आपने मौका दिया। थैंक यू। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे यही बात बताना है कि अगर कोई गरीब भी है तो वो सीजनल सब्जियां खा सकता। हाँ। इसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि कोई कितना भी गरीब हो, आज भी हमारे देश में कितना भी गरीब हो इस डाइट पे रह सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे केले बहुत पसंद है, जो कि 50 रुपये में 12 केले आते हैं, 40 रुपये में 12 केले आते हैं, कभी 30 रुपये में आते हैं, बहुत ही सस्ता है। तो इस तरह से मैंने अपने लिए 3-4 तरह के ऐसे फल जुगाड़े जो कि सीज़न के अनुसार बहुत महंगे नहीं होते। आम के सीज़न में देखिए 1 किलो आम 50 रुपये का आ जाता है। तो सीज़न के हिसाब से वैसे भी वही वाला खाना हमारे बॉडी पे लगता है जो उस सीज़न का होता है, राइट। अगर सीज़न के अलावा है कैसे पता चलेगा सीज़न में का है कि नहीं है? एक ही तरीका, जो बहुत महंगा है वो सीज़न का खाना नहीं है, जो सस्ता है वो सीज़न का खाना है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट दवा, जितनी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, अगर आप मुझसे पूछते हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दवा क्या है, तो इन सब में सबसे प्रभावशाली है वो है पत्ते, मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, ये सारे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो आपको रोज़ 200 ग्राम 250 ग्राम पत्ते खाने हैं। और अभी भी हमारे देश में या किसी भी देश में पत्ते का भाव बहुत ही सस्ता, वो महंगा नहीं है, बहुत ही सबसे सस्ता ही है। 15 रुपये में 10 रुपये में आपको इतना सारा पत्ता मिल जाएगा, वो खाएंगे तो वो बॉडी में टॉनिक की तरह जाएगा, वो कैंसर सेल को बड़ी तेज़ी से मारेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग कैंसर के पेशेंट अगर आपको मिलते हैं उनको बोलिए रोज़ शाम को 1/2 किलो पालक का 1 ग्लास जूस बनता है, वो ज़रूर पीजिए, राइट। तो इसी तरह से आप वेजिटेबल की बात करते हैं, जो टमाटर है, अगर मैं 1 किलो टमाटर खा लेता हूँ पेट बिल्कुल भर जाता है एकदम से, और खीरा खा लेता हूँ पेट बिल्कुल भर जाता है। तो मैंने तो हिसाब लगाया है अपनी तरफ से कि ये खाना एट द एंड ऑफ द मंथ, दवाई का खर्चा है ही नहीं, कभी सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा कि जितना लोग 10 घंटे में काम करते हैं उतना काम मैं 5 घंटे में करता हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो खर्चा आपका घटता है, बढ़ता नहीं है, एक बार करके देखिए। जिम जानता है कोई? हाथ खड़ा करो। जिम कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। जिम जाने वाले लोग, जिम जाने वाले क्या सोचते हैं, जो प्रोटीन है वो सिर्फ अंडों में है या इसको मैं चिकन में है? क्लियर करता हूँ कि जिम जाने वाले ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो अंडों में है या चिकन में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम तो दूध में है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कि मुझे वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, वो खाना खाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है दुनिया में वो है बालों में। तो बाल क्यों नहीं खा लेते आप? चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन है। कोई भी जानवर को देखा कभी बाल खाते हुए किसी का? क्यों नहीं खाते? इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो दुनिया में है वो बालों में है, हम तो नहीं खाते इसको, खा लीजिए इसको। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है नाखून में, तो नाखून क्यों नहीं खा लेते? फिर क्यों देते भाई? खाइए, सस्ता है, फ्री में है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दुनिया में है वो है लकड़ी में, तो लकड़ी चबा लीजिए, उसको भूरा करके उसको पेट में पानी से पी जाइए। सुनो, अपन जिम इसलिए ना, जिम अपन सोचते हैं कि नहीं है तो एवं कहते हैं यार जिम जड़े इन्ने साल का चलता वो गलत थोड़ी हो सकता है ना। सवाल आते मेरे मन च भी बहुत सारे सवाल से हूँ। सुनो, वो डाइट लैन तो बाद जे डॉक्टर साहब तुम सुन रहे हो, इन्हों का नाम गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दर्ज होया। सुनो, जेड़ा भी इतने जिम जाता बंदा, जो अपने आपू सब तो वह फुर्तीला है, ताकतवर समझद, वो आके इन्होंने अगर कंपटीशन लड़ेगा वो हारेगा, क्योंकि आप 1 मिनट में 198 पुशअप्स, 198 पुशअप 1 मिनट दे विच। आम बंदा 12 कर सकता है, 13 12 13 15 20 तो बाद बस हो जाती है वो।
198 एक मिनट दे विच और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च आज भी इन्हों का नाम दर्ज है पहले नंबर पर। और कौन सा रिकॉर्ड? बाकी तो मेमोरी के रिकॉर्ड्स हैं, बट ये पुशअप को तो ये हेल्थ का एक ही है। मेमोरी के रिकॉर्ड हैं और अब बॉडी के रिकॉर्ड, ये बॉडी का रिकॉर्ड है, ये बॉडी का रिकॉर्ड है। इसलिए ये वो गल्ला नहीं दस रहे कि आप दस के जा रहे हैं तो यहाँ कोई सिर पैर है नहीं, आके कोई बंदा एवं ही बोली जा रहा है जिदा कोई दिमाग है नहीं गा। वो बंदा कहता यार मैं तो चिकन में तो 10 साल हो गए खाते, मैं तो सुनते वो फलाने बंद ने इधर बॉडी बनाई है। बिल क्लिंटन भी कह रहा है वो मांस मछली तो रोक नहीं रहा, कहता मैं हफ्ते च एक दिन फिश खाना, पर वो दस रहा है कि ज़्यादा कड़ी चीज़ खानी है जितना तुम्हारी बॉडी च पुलिस बची रहे तो गुंडे मरे रहन। सीधी पंजाबी च गल समझ के जाऊँ, बोलो पुलिस बची रहे ते गुंडे मर जान। आमीन। ते पुलिस नू बचाण दा इक्को ही तरीका है, जदों असीं ओह कहिंदे जदों असीं गलत खाना खाने आ अंदर कैमिकल मर जांदे आ, फिर बॉडी नू पता नहीं कि कीड़ी चीज़ कित्थे छड़नी है, फिर वो अपने आप जांदे आ, कोई शुगर कर दिंदा है, किसे नू बीपी दी प्रॉब्लम है, किसे नू कोई प्रॉब्लम है, पर जदों DIP डाइट असीं लैंदे आ फिर वो अंदर कैमिकल मरदे नहीं, फिर वो सही जगह ते सही चीज़ नू भेजदे आ। और ये भी कह रहे कि नाल नाल अपने डॉक्टर नाल कंसर्न भी रखो, जदों असीं ये डाइट लैनी है तुहाडी दवाइया की जिहड़ी रेशो आ घटती जानी है, दवाइया अपने आप बंद होंदिया जानियां तुहाडियां, क्योंकि जे तुसीं ये डाइट भी खाधी तो दवाइया भी खाधियां फिर तुहानूं प्रॉब्लम हो जानी, क्योंकि तुसीं बिल्कुल जे शुगर तुहाडी 120 ते कंट्रोल हुंदी तो 60 ते चल जानी, तुहानूं डॉक्टर दे कोल जाना पैना ये डाइट लैके, क्योंकि ये शुगर घट रही है और लैवल ते आनी और दवाइया सदा लई बंद होनियां महीने लई नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी नूं फिर दसो, बोलो पुलिस बची रहे ते गुंडे मरे रहन। आमीन। ये पंजाबी तरीका याद करन दा। और आपां उस बंदे नूं सुन रहे हैं जिन्हें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच अपना नाम दर्ज किया। हुण तुसीं 198 पुशअप मार के दिखाओ, जे आपां 10 साल तो जिम जाने, मैं भी जाना पर आपां नहीं कर सकते, पर एक बंदा कर रहा अपनी एनर्जी शो कर रहा, गवाही नूं सानूं मनना चाहिए। आमीन। वो चीटिंग डाइट में चीटिंग का भी मौका दे रहा तुहानूं एक दिन कि भुजिया खाओ, बर्गर खाओ, जो खाना खाओ एक दिन हफ्ते दे विच। और मेरे ख्याल दे विच सिर्फ बीमारां नूं ही नहीं, तुहानूं सारयां नूं ये डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि असीं बीमार होइए ही ना लाइफ टाइम। बाइबल जी गल लिखी है, पता बाइबल जी यूहन्ना च लिखा, कहिंदा मेरी इच्छा यह है जिस तरह तू आत्मा च प्राण च उन्नति कर रहा तू शरीर च भला चंगा रहे। बीमार होकर प्रेयर करवाण तो हीलिंग लैन तो चंगा यह है कि असी बीमार होइए ही ना ते अपने दूजे कम्मां नूं असी तेजी ना करिए। हालेलुया। और परमेश्वर बुद्धि देगा, मैं तुहानूं दस्सिया सी पंजाब दे विच परमेश्वर सानूं खड़ा करेगा इस रीति दे नाल कि असी हर हिस्से नूं छूवांगे, टच करांगे और परमेश्वर काम करेगा। तुसी ब्लैस होण दे लई इत्थे बुलाए गए हो परमेश्वर दे नाम च और तुसी सचमुच ब्लैस हो अज। आमीन। और मैं तुहानूं गरंटी दिंदा ये डाइट औखी लगती पई है तुहानूं, मैनूं भी पहलां जदों मैं पढ़ी सी ना, पहले जो मैं सुनी सी मैनूं बहुत औखी लगी है, लेकिन ये औखी है नहीं, ये कठिन नहीं है डाइट, ये वाली ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है डाइट। ये 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, उस तो बाद तुहानूं आदत पै जाती और तुसी दूसरा खाना जिहड़ा तुहानूं पचना नहीं, तुहानूं लगना कि नहीं यार मैनूं चाहिदा ही ये है कि मैं लंबा जीना चाहना। तो अगर तुसी बीमार हो अपने आप चंगे हो जाते हो घर बैठ के, चर्च आते हो कि नहीं, प्रे कराते हो कि नहीं, अपने आप कोई प्रोफेसी पूरी होंगी बाइबल दी? एलिया नू परमेश्वर ने कहा बारिश आएगी, आई बारिश कि उन्हें प्रेयर की घुटनिया दे विच सिर दे के अपना की नहीं की? अगर बाइबल दसदी है कि तुसी लंबा जियो तो परमेश्वर कहता तू इन्ना लंबा जिएगा अपने नाती पोतिया ने भी तू देख पाएगा, तो अपने आप ये भी गल पूरी नहीं होनी। परमेश्वर तुहाडे लई बंदे अरेंज करेगा, तुहानू इदां दा ज्ञान देगा कि फिर ये वचन भी उहदी जिंदगी च पूरा होवे। जे प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होंदी, वचन अपने आप पूरा नहीं होंदा, जे लिखिया यीशु दे कोड़े खाण नाल असीं चंगे हो चुके हैं तो हर बंदा चंगा वह नहीं होंदा जिन्हें डिकलेयर नहीं किया, जिन्हें वचन नूं मन्निया नहीं। तो परमेश्वर कहिंदा मैं तैनूं लंबी आयु देवांगा, मैं आई विल शो यू माई सालवेशन विद लोंग लाइफ, कहिंदा मैं लंबी आयु भी देवांगा, तैनूं उद्धार भी दिखावांगा। पर वह लंबी आयु का वचन अपने आप पूरा नहीं होंदा जे असीं कुछ भी खावांगे तो सोचांगे परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। अगर गलती ना शैतान कुछ करन दी कोशिश करेगा तो परमेश्वर उस वेले खत्म करेगा, पर जे साडी बेवकूफी दे नाल होया तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। मैं तुहानूं गवाही देना चाहना, एक मैं उहदा नाम नहीं लवांगा बंदे का, पर तुहानूं बंदा तू इत्थे बैठे
सौ चो नहीं 10,000 चो 9,999 बंदा उस बंदे नूं जानता है, पर मैं नाम नहीं लवांगा। एक दिन बंदे नूं आदत सी, एक उस बंदे नूं तुसीं सुनिया होया, ਉਹਦੇ ਸੌਂਗਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੇ ਸੌਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਮਟਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਨੋਇੰਟਡ ਬੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਵੈਰੀ ਅਨੋਇੰਟਡ, ਵੈਰੀ ਬਲੈਸ। एक दिन डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपका 90% हार्ट ब्लॉक है, जे तुसी ऑपरेशन ना करवाया तो आड़ी डेथ हो जानी। वो अपने घर गया, उन्हें एक ब्रदर नू फोन किया, उसका भी नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्हें मैं भी जानता, तुसी भी जानते हो, वो इंडिया का बड़ा रेपुटेटेड जबरदस्त परमेश्वर का दास है। कहिंदा ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, मैनू ना डॉक्टर ने दस्या कि मेरे 90% मेरा हार्ट ब्लॉक है, तो मैं कोई ऑपरेशन नहीं कराना, प्रभु ते मैनू भरोसा है। आप हीलिंग करने वाला सेवक, 4 दिन के अंदर, और ब्रदर ने दस्या अगर तेरी डाइट खराब सी तो परमेश्वर तेनू रोकता सी, तू क्यों ओवर ईटिंग करता रहा करता रहा करता रहा। परमेश्वर मूर्ख, मूर्ख मतलब बंदा मूर्ख नहीं, एक गलती कोई बंदा कर सकता। मूसा को भी एक गलती हो गई सी, परमेश्वर ने मुंह बोलन ना कहा सीगा, तू चट्टान नूं मुंह ना कहते, मूसा ने 2 बारी वह मार दी सी। समझ आ रही है कि नहीं? हुण उदां ही उस बंदे ने की किया, उन्हें ऑपरेशन नहीं कराया, घर चला गया, 4 दिन बाद उदी डेथ हो गई। अज तक एदा दा सेवक, एदा दा गाण वाला परमेश्वर दा वर्शिपर अज तक पंजाबी कम्यूनिटी नूं हले तक नहीं मिलिया। हालेलुया, अज तक नहीं मिलिया, हले तक नहीं मिलिया। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड चला गया। इसलिए आप बुद्धि रखनी, जो परमेश्वर ने बनाया, जो बाइबल कहती वह खाना आप। आमीन। तुहानू पता जो परमेश्वर ने आदम नू बनाया कित्थे रखिया, उन्हें लिखा परमेश्वर ने आदम नू अदन दे बाग दे विचकार रखिया, जिथे ग्रीनरी सीगी, जिथे हरापन सीगा। ये बाइबल दी गल्लां तुहानू दस रहे हो। मैं तुहानू दस्सिया सी एक ऐसा डॉक्टर आएगा जिहड़ा तुहानू मूंह कहेगा दवाई नहीं खानी, तुसीं खुद हैरान होवोगे। मूह कहेगा ऑपरेशन नहीं कराने की लड़, हार्ट की दवाई खाने की लड़ नहीं, बीपी दवाई खाने की लड़ नहीं। हालेलुया। हूँ यही फ्रूट जो तुम रात को रोटी तो बाद खाओगे तो फायदा नहीं करता, ऐसे ही है ना, ये फायदा नहीं करता, फायदा नहीं करेगा। रात को खाना खाने के बाद खाएंगे या दोपहर को खाने के बाद खाएंगे, खाली पेट में खाना। चीज ऐसी जो इंफॉर्मेशन जिस बंदे परमेश्वर ने खड़ा किया, बिल क्लिंटन कह रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि गॉड की ग्रेस के नाल मैनू ये डाइट समझ आ गई और मैं लैनी स्टार्ट की, अज मैं हील हाँ। किन्ने इस गल नू समझ रहे हैं? एक अनॉइंटेड सेवक जा सकता साढ़े विचों, क्योंकि अपनी बॉडी वाल ध्यान नहीं दिता। लोग हील होंदे रहे, अपनी बॉडी वाल ध्यान नहीं दिता। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि दिती, उन्हें अलग अलग लोग ठहराए ताकि असी हेल्दी रहीए। और वह भी नहीं कि अमीरां दी डाइट है, गरीबां दी डाइट है। जे तुसी घर बना के सब्जी खा सकते हो बैंगन दी, ते कच्चियां गाजरां भी खा सकते हैं आपां कि नहीं खा सकते? हुण बुद्धि तुसी वरतनी है। हुण कच्ची गाजर लिया के उदां ही खा लोगे तो बीमार हो गए, उन्हों सिरके ना धोवो, गर्म पानी ना धोवो, तुहाडी इन्नी कु बुद्धि तो होनी चाहिए। आमीन। किन्ने गल मेरी समझ रहे हैं? ब्लैस हो कि नहीं? अज ब्लैस हो ऑलरेडी। और जो इन चीज़ों देखा गया कि परमेश्वर की कलीसिया कितनी इग्नोरेंस है, परमेश्वर के नाम च कितनी इग्नोरेंस वरतते हैं आप, परमेश्वर नूं अगे रख के जो मर्जी खाने जो मर्जी पीने, बाद च परमेश्वर से दोष लाने आप। हालेलुया। और ये डाइट औखी नहीं है, मैं तुम्हें फिर दस रहा, ये डाइट बहुत आसान है। जिस दिन तुम फॉलो करनी स्टार्ट करती, तुसी दूसरी डाइट फॉलो नहीं करूंगे। और मैनू नहीं लगता किसी बीमार नूं फॉलो करना चाहिए, मैनू तो लगता सारी चर्च नूं ये फॉलो करनी चाहिए। ऐदा होना चाहिए कि अपनी चर्च खांबरा चर्च पंजाब की सब तो वध हेल्दी चर्च होनी चाहिए है। आमीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सवाल आएगा आपके दिमाग में कि दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, या हाई प्रोटीन तो मीट में होता है। मैंने उसका जवाब दिया कि हाई प्रोटीन मीट में नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है बालों में, लेकिन हम खाते नहीं हैं। हाँ, और
सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में नहीं, उससे ज़्यादा कैल्शियम नाखून में, उसको खाते नहीं है। सिमिलरली सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लकड़ी में, उसको नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। है तो सही, लेकिन वो जब खाएंगे तो बॉडी उसको पचा नहीं सकता है। तो हम इस तरह का खाना खाएंगे जिसमें हाईएस्ट फॉर्म में है प्रोटीन, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में, वो है हरी सब्जी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो अवेलेबल है। मीट में प्रोटीन होता है लेकिन वो बॉडी में अवेलेबल नहीं है खाने के बाद। जब अवेलेबल नहीं है, बॉडी को मिल ही नहीं रहा, तो बॉडी में वो बर्डन बन जाता है। सिमिलरली दूध का जो कैल्शियम है, वो दूध का कैल्शियम बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाता, तो जो स्टोन बनते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं, उसको अगर ब्लॉकेज को निकालें, स्टोन को निकालें और उसको अगर लेंस से देखेंगे तो उसके अंदर जो कैल्शियम मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द मिल्क कैल्शियम। तो आज से डेफिनेशन थोड़ा बदल दीजिए। मुझे वो खाना खाना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, बदल दीजिए। मुझे वो खाना खाना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल फॉर्म में, वो है सब्जी। सबसे ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में, वो है बादाम। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल फॉर्म में, वो है फ्रूट्स। सो अवेलेबल तो वो है ग्रीन्स। इसीलिए आप देखेंगे एक शेर है जो कि मांसाहारी है, वो दिन में 16 घंटे सोता है, और वो जब किसी शिकार को पकड़ने जाता, आपने गौर किया होगा, बहुत धीरे धीरे जाता है, छुपके छुपके, और एकदम से भागता। उसको पता है कि मेरी जो ताकत है वो 100 मीटर में मेरी ताकत ख़त्म हो जानी है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे जो शिकार के बिल्कुल करीब पहुंचता है तब भागना शुरू करता है। जबकि जो घोड़ा है, हिरन है, वो पूरे दिन 24 घंटे ही भाग सकता है लगातार। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ताकत प्रोटीन में है, लेकिन वो प्लांट प्रोटीन में है। पूरे दुनिया में जो लोग प्लांट से प्रोटीन लेते हैं उनकी स्टेमिना ज़्यादा है। और वो सब छोड़िए, आप एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर 15 दिन का एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 15 दिन तक मैंने एनिमल प्रोटीन नहीं लिया, अब मैं देखूं कि मैं जिम में जाता हूं तो ज़्यादा ताकत से उठा सकता हूं, मैं ज़्यादा दौड़ सकता हूं, जल्दी हाँफ रहा हूं कि ज़्यादा दौड़ने के बाद भी नहीं हाँफ रहा हूं। तो आप खुद ही अपने एग्जाम्पल बन सकते हैं। 15 दिन की बात है, 21 डेज टेस्ट। हाँ, स्प्राउट्स, अंकुरित, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, कितना खाना है, एक सिंपल रूल याद रखिए, आपका जितना वजन है उतना खाना है। 70 केजी मतलब 70 ग्राम अंकुरित चने, अंकुरित मूंग। बादाम है या फिर मूंगफली है, कच्ची मूंगफली, कच्चा बादाम या काजू है, कोई भी इनमें से जो भी मूंगफली टाइप चीज़ें हैं कच्ची, उसको पानी में भिगोना है 3-4 घंटे, उसके बाद निकालना है। वो कितने ग्राम खाना है, जितना आपका वेट है, 70 केजी तो 70 ग्राम पूरे दिन भर में, एक बार में नहीं, पूरे दिन भर में। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं काजू नहीं खाएंगे, उसमें तो कैल्शियम, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता है। पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ होती नहीं है, और दूसरी बात पौधों में, पौधों को भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति नहीं दी है, सिर्फ एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। आप एनिमल है कि प्लांट है? हम लोग एनिमल हैं, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकता है, पौधे नहीं बना सकते। तो जब आप पौधे खाते हैं, पौधों वाला भोजन खाते हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल खा ही नहीं रहे हैं। वो जब दूध पीते हैं तब वो कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो आप 15 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वो तो ज़रूर करें और अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मेजर करें, क्योंकि वो जैसे जैसे घटेगा आपको दवा भी घटाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और दवा नहीं घटाएंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। कितने क्वेश्चन करने वाले लड़के, हाथ लाओ, दोनों हाथ लाओ। तड़े जो नहीं, जड़े क्वेश्चन, तड़े जो कोई भी क्वेश्चन करना चाहता हो दस दे, कि अगर तुम सवाल कोई पूछना चाहते हो तो ही पूछ सकते हो। जड़े हाथ खड़ा कर रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन मैं माइक च सुनाओ। बोल रहे आई साइड वीक के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आई साइड वीक के लिए स्टेप वन, ये डाइट पे आपको रहना है। स्टेप टू, आई साइड वीक दो तरह से होता है, एक तो जिनको कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, डायबिटीज़ की वजह से आई साइड, दूसरा है जो लोग चश्मा पहनते हैं। इन दोनों केसेस में ही क्या करना है, ध्यान सुनिए। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट का एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। शोल्डर 10 बार इस तरफ, 10 बार इस तरफ, है ना, ये हो गया शोल्डर। फिर है नेक, नेक को जैसे भी रोटेट करना कर पाएँ, मूव कर पाएँ, तो इस तरह से। फिर आई रोटेशन, आप अपनी फ्रेंड की, दोस्त की मदद लीजिए, वो अपनी इस तरह से आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसको चारों 10 बार इस तरफ घुमाना है और 10 बार ऐसे। खुद नहीं कर पाएंगे, कोई आपकी मदद करेगा तो कर पाएंगे। तो 15 मिनट अगर आप नेक, शोल्डर एंड आई रोटेशन मूवमेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो आँखें हैं वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी।
तो जिनके जो आँखों में जो चश्मा पहनते हैं जो लोग, मान लो आप 2 पावर का चश्मा पहनते हैं तो कुछ दिनों में 1.5 वाला चश्मा भी आपको ठीक लगेगा, कुछ दिनों में मतलब 1 महीने में एक्सरसाइज करना और ये डाइट के साथ। तो हर थोड़े थोड़े दिन में आपका चश्मे का पावर को कम करते रहना पड़ेगा और एक दिन आएगा 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में जब आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सब कुछ ठीक दिखाई देने लगेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने लोग चश्मा पहनते हैं वो एक चैलेंज की तरह लें कि ये DIP डाइट मुझे खाना है और नेक शोल्डर और एन आई रोटेशन एक्सरसाइज करनी 15 मिनट रोज, और चश्मे का जो नंबर है उसको धीरे धीरे कम करना है। और जो लोग कैटरेक के पेशेंट हैं और जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, जिनको ये लगता है, जिनको बोला गया कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं आपको ये बता दूं, 1 महीना से 3 महीने लगता है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के पेशेंट को पूरी तरह रिकवर होने में, ठीक से दिखने में विद दिस डाइट। पैरालिसिस के पेशेंट को क्या करना चाहिए? अब पैरालिसिस का पेशेंट जो है, वो पैरालिसिस क्या होता है पहले तो उसको समझने की ज़रूरत है। आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो आपके बॉडी के भागों को कंट्रोल करते हैं। राइट ब्रेन का जो सेल्स है वो लेफ्ट ब्रेन का सेल्स है वो राइट के ऑर्गन को, और राइट वाले जो सेल्स हैं वो लेफ्ट पार्ट को। कोई भी ब्रेन का सेल जब डेड हो जाता है तो वो अंग कंट्रोल नहीं होता, हाथ तो है लेकिन ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा, इसे तो कहते हैं पैरालिसिस। अब इसे करना क्या है, इसमें टाइम लगेगा, 9 महीना 10 महीना 1 साल टाइम लगेगा। इसमें 3 स्टेप हैं। पहला, जितना हो सके ग्रीन्स, दिन भर में ग्रीन पत्ते 200 ग्राम ग्रीन जूस और DIP डाइट, ये तो हो गया पहला। दूसरा, मेंटल विजुलाइजेशन। आजकल ये नया रिसर्च है कि आप दिमाग में देखिए, सिग्नल दे दीजिए कि आपका हाथ पहले की तरह काम कर रहा है। दिमाग में तो काम कर सकता है, चाहे वो फिजिकली कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, इमेजिन करना। जब इमेजिन करेंगे बार बार दिन में कई बार और ऐसे कई दिनों तक, तो वो सिग्नल दोबारा से रिवाइव होता है। दूसरा, तीसरा, मसाज। जो वाला पार्ट आपका काम नहीं कर रहा, किसी को बोलिए वो 15 मिनट उस पार्ट को रोज़ मसाज करे। ये तीनों स्टेप साथ साथ करेंगे, खाना, इमेजिनेशन मेंटल इमेजरी जिसे कहते हैं, और मसाज, और ये 1 साल तक लग जाएगा, बट विद इन 1 ईयर आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपका जो पैरालिसिस है वो रिवर्स होता हुआ दिखेगा। इसमें कितना ज़्यादा डैमेज हो गया ब्रेन के सेल उस पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को एक सब्सटेंशियल लाभ तो मिलता ही मिलता है। डॉक्टर साहब ने तारीफ करो सब जन परमेश्वर दी, अपने हाथों हिलाओ सब जन, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। सबको जय मसीह की। जैसा कि आपने देखा और सुना कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बताया कि कैसे हम अपने दिन भर में खाने पीने वाली चीज़ों में बदलाव लाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, तो आइए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन बातों को ध्यान से सुनें और इनके अनुसार करें। सुबह नाश्ते में अपनी पसंद के अनुसार या मौसम के अनुसार कोई भी 4 फल चुन लें, जैसे कि अंगूर, केले, सेब, अनार, आम या मौसम के अनुसार कोई भी फल। सुबह से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ फल ही खाएं। अपने शरीर के वज़न के मुताबिक 10 ग्राम से गुना करके, जैसे कि अगर आपके शरीर का वज़न 70 किलो है तो 10 ग्राम से गुना करें, तो सुबह से दोपहर 12 बजे तक 700 ग्राम फल खाएं। दोपहर और रात के खाने के लिए आपके खाने की 2 प्लेटें हों। पहली प्लेट में खाने के लिए कोई भी कच्ची सब्जियां, जैसे कि मूलियां, गाजरें, टमाटर, खीरे, ककड़ी, मटर आदि हों, और दूसरी प्लेट में सामान्य भोजन हो। कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करके खाएं। पहली प्लेट का खाना समाप्त करके ही दूसरी प्लेट का खाना खाएं। अपने शरीर के वज़न के मुताबिक 5 ग्राम से गुना करके, जैसे कि अगर आपके शरीर का वज़न 70 किलो है तो 5 ग्राम से गुना करें, तो दोपहर और रात को 350 ग्राम सब्जियां खाएं। नोट, इनके अलावा दिन भर में आप मूलियों, पालक, धनिए और पुदीने के 200 से 250 ग्राम पत्ते और रोज़ पालक का जूस, नारियल पानी, अंकुरित दालें जैसे कि मूंग दाल, चने आदि खा सकते हैं। इन चीज़ों का सेवन करते हुए जो लोग दवाइयां खाते हैं या बीमार हैं, वो अपने डॉक्टर से संपर्क में ज़रूर रहें।